कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 बार जोर कर बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बलसे वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप शांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ हरे आप लोग सब कहाँ जा रहे हो? सब माताएं चतुर्दशी है, आज का दिन कथा सुनने का बड़ा पुण्य है। अभी कोई मत जाओ, थोड़ी देरी बाद में जब विश्राम हो जाएगा तब जाना। 10 मिनट बैठ जाओ, जो जा रहे हो 10 मिनट बैठ जाओ, कोई खड़े मत हो, बैठ जा बैठ जा। हाँ देखो, विशेष करके जिन लोगों ने कलसी लाए हो, अपना सर पर कलसी लेकर के आए हो, हम लोगों को तो 7 दिन कथा सुननी चाहिए, 7 दिन तक कथा सुननी चाहिए। यदि जो श्रीमद् भागवत कथा है ये साधारण कथा नहीं, ये भागवत को बताया ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का मतलब क्या जानते हो? ये भागवत ग्रंथ रूपी कल्प वृक्ष को नीचे बैठ करके जो मांगोगे, जो दुखी है उनको भागवत सुखी करता है, जो रोगी है उसको निरोग प्रदान करता है, जो निर्धन है उसको भागवत धन प्रदान करता है, जिसके पुत्र संतान नहीं उसको भागवत ग्रंथ पुत्र संतान प्रदान करती है। इसलिए जो कुछ ये भागवत ग्रंथ से मांगोगे, ये भागवत 7 दिन में आपको सारी इच्छाओं को पूरी कर देंगे। लेकिन कब पूरी करेंगे? जब पूरी सुनोगे तभी ये कथा जो मांगोगे 7 दिन में, अगर नियम करके तुमने कथा सुनी है, नियम करके अगर कथा सुनी, भागवत सारे इच्छा को तुम्हारी पूरी कर देंगे। ये भागवत कथा साधारण नहीं। आज क्या है बताओ? तो आज क्या है? शिवरात्रि। ये शंकर जी ये कथा को माता पार्वती को, ये अमरनाथ में शंकर जी पार्वती को कथा सुनाए, इसलिए ये भागवत का एक नाम है अमर कथा। कथा का नाम क्या है? अमर कथा। मतलब ये कथा को जो सुनेगा, शंकर जी स्वयं कहते हैं पार्वती, ये भागवत कथा सुन के रही मैं ये अमरत्व की प्राप्त की। कौन है ये शंकर जी? स्वयं कहते हैं हैं, और शंकर जी पार्वती को कहते हैं, बोले पार्वती जगत में सब चीज सुलभ है, लेकिन पार्वती जगत में एक चीज बड़ा दुर्लभ है। तो मैया पार्वती प्रश्न करती है, बोले प्रभु जगत में किस चीज की सुलभ है? देखो शंकर जी क्या कहते हैं, बोले सत्संग ते दुर्लभ संसार, सत्संग ते दुर्लभ संसार
शंकर जी कहते पार्वती कि जो सत्य संग है, कि जो भगवान की कथा पार्वती, ये बड़ा दुर्लभ है। शंकर जी कहते हैं पार्वती, अगर मेरे को कभी कथा सुनना होता है ना, कि भागवत कथा सुनना, आप लोग कहाँ से आए कथा सुनने के लिए? कैलाश से दौड़ दौड़ करके मैं कथा सुनने के लिए आता हूँ। शंकर जी कहते पार्वती, ये कैलाश की बात छोड़ दो, ये जो भागवत कथा है ना, कहती है स्वर्ग में मिली देवता रूप में जन्म लेने पर भी ये देवताओं का नसीब में भी ये भागवत कथा नहीं मिलती है। हम आगे जा करके सुनेंगे। बोले जिस समय श्री सुखदेव गोस्वामी परिकृति महाराज को ये भागवत कथा सुनाने जा रहे थे, स्वर्ग से 33 करोड़ देवता, बोले जिन जिन देवताओं को हम लोग घर में पूजा करते हैं, ये 33 करोड़ देवता स्वर्ग से अमृत कलश लेकर के आ गए। बोले हे सुखदेव परिचित, सुखदेव गोस्वामी, लो ये पूरी के पूरे ये अमृत कलश तुम ले लो, लेकिन इसकी जिम्मेवारी में हमें थोड़ा ये भागवत कथा सुना दो। लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी ये देवताओं को भी खदेड़ देते हैं, ये देवताओं को उन्होंने भगा दिया। बोले कथा नहीं सुन सकते हो, क्योंकि ये कथा नहीं, ये साक्षात बांके बिहारी है, ये कथा नहीं, ये स्वयं ठाकुर जी है, और ये स्वर्ग का तुच्छ अमृत दे करके कथा सुनना चाहते हो, भाग जाओ यहाँ से, कथा नहीं सुन सकते हो। इसलिए देवताओं का सौभाग्य हुई ये कथा सुनने को नहीं मिला। कहते ये स्वर्ग की बात छोड़ दो, कहते ये ब्रह्म लोक में भी कथा नहीं, बोले ये ब्रह्म लोक की कथा छोड़ दो, बोले वैकुंठ में जन्म लेने पर भी ये कथा सुनने को नहीं मिलती है। इसलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले गया ओ गरुड़ा जहाँ बसा ए भोसोड़ा, गया ओ गरुड़ा जहाँ बसा ए भोसोड़ा, गया ओ गरुड़ा जहाँ बसा ए भोसोड़ा, खोड़ावासी भक्तों का कितना महिमा देखो। कहते अगर गरुड़ जी वैकुंठ में रहते हैं, अगर कभी उनकी इच्छा होना मैं भी थोड़ा ये भागवत कथा सुनूं, लेकिन ये वैकुंठ में भी ये भागवत कथा नहीं, इसलिए गरुड़ जी को वैकुंठ छोड़ करके आना पड़ता है। देखो खोड़ावासी कितने भाग्यवान हो, देवताओं को कथा सुनने के लिए स्वर्ग त्याग देना पड़ा, ब्रह्मा जी और ब्रह्मानी को कथा सुनने के लिए उन्होंने ब्रह्मलोक को त्याग दिया, शंकर जी को भी कथा सुनने के लिए माँ पार्वती को उनको कैलाश छोड़ना पड़ा, गरुड़ जी को कथा सुनने के लिए वैकुंठ छोड़ना पड़ा। लेकिन ये खोड़ा वासियों को कथा सुनने के लिए कुछ छोड़ना पड़ा तुम्हें? अपना घर छोड़ा, मकान छोड़ा, तुमको कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ा। कथा रूपी गंगा वृंदावन से बहते बहते तुम्हारी घर की दरवाजा को सामने आ गई, और तुम घर में बैठी बैठी करके यहाँ पर गुता लगा ली, यहीं पर बैठी बैठी करके। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती, ये जो कथा है ना,
बड़ी किस्मत वालों को कथा सुनने को मिलती है। देखो पार्वती क्या कहती है, कहते आप कह रहे हो ये भगवान की कथा बड़े दुर्लभ। बोले हाँ, बोले दुर्लभ कहाँ है, दुर्लभ कहाँ, देखो खुड़ा में कथा हो रही है ना। हमारे चौहान माता जी ने भागवत कथा रखवाए और जैसे यहाँ पर उन्होंने व्यवस्था की और कथा हो रही है, आप बता रहे हो बड़ा दुर्लभ है। देखो शंकर जी क्या कहते, ध्यान देकर सुनो इतनी सी बात। शंकर जी कहते पार्वती ये भागवत कथा होगी, सबको निमंत्रण देंगे लेकिन ये कथा में कोई आना नहीं चाहेगा। शंकर जी कहते हैं, देखो क्या कहते हैं, बोले आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, ये शंकर जी क्या कहते हैं, बड़ी कीमती बात कहते हैं। बोले पार्वती आ बत यही सर अति कठिनाई, अगर भागवत कथा के लिए बुलाओ ना सहज में लोग नहीं आएंगे, अगर कहीं शादी हो रही है, कहीं नाटकबाजी हो रहा है, अगर कोई हीरो आ रहा है, शाहरुख खान आ रहा है, नहीं तो ऐश्वर्या राय आ रही है, अगर तुम्हें कहीं पता चल जाएगी ना, देखना घर का सारे काम धंधा छोड़कर पहुंच जाओगे। जितना भले ही काम तुम्हारी घर में क्यों नहीं हो, कोई गंदी से गंदी फिल्म आ जाए ना, अगर घर का काम 5 घंटा हो उसको 2 घंटा में निपटाओगे और उसके 3 घंटा निकालोगे वहां से। सिनेमा क्या है बताओ, झूठ 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 मूठ चीज को एक रूपक दे दिया, एकदम झूठा कुछ है ही नहीं, गंदी गंदी है, गंदी गंदी चीज को देखने के लिए फिर आधा घंटा पहले जाएंगे और लाइन में खड़े रहेंगे, अगर टिकट नहीं मिलेगा ना ब्लॉक में टिकट खरीदी करेंगे, 200 रुपया को 500 रुपया में खरीदी करेंगे और लाइन में खड़ी रहेंगे और कथा से आधा घंटा पहले जाकर पहुंचेंगे। और यहाँ पर भागवत कथा हो रही है, ये भगवान की कथा भागवत कथा हो रही है, लेकिन आए तो झट खड़े होकर चलना शुरू कर दिया, नहीं ये कथा नहीं, ये क्या है, कहते ये कल्प वृक्ष है, ये कथा नहीं सुन रहे हो, ये कल्प वृक्ष को नीचे बैठे हो, अगर 7 दिन आप सही सही कथा सुन लिए, देखना आप जो कुछ 7 दिन में मांग, लाइट चली गई, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती अगर 7 दिन कोई कथा सुन लिए ना, आप देखना जो मांगोगे ये भागवत से, जो कुछ मांगोगे भागवत से और ये भागवत तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगी, सारे इच्छाओं को पूरी कर देगी। लेकिन कथा सुनने का नियम है 7 दिन तक नियम करके केवल कथा सुनना है।
केवल नियम करके केवल ये भागवत सुन लो, देखो तुम्हारी सारी इच्छा भागवत पूरी कर देगी, ठीक है ना। एक बार भागवत की जयकार लगाओ, बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृत की जयकार। आप लोग वहीं से बोल रहे हो, मेरे को सुनाई नहीं पड़ रहा, आज व्रत रखे ना इसलिए आवाज नहीं आ रही है ना। जोर से बोलो, जो जितने जोर से भागवत की जयकार देगी ना, भागवत की थोड़ी जय है, भागवत का तो जय जय है ही है। जो जितने जोर से जयकार देगा उसका ही इतना पाप खत्म होता है और अपना ही जय होगा, ठीक है। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की। अभी लग रहा है कथा हो रही है। देखो आज शिव चतुर्दशी है ना, आज श्री शिव चतुर्दशी है, ये शंकर जी की व्रत है ना। देखो ये शंकर जी की इतने महिमा क्यों, कारण क्या है। आज का दिन ही शंकर जी है कहते माता पार्वती को अमरनाथ में उन्होंने ये अमर कथा सुनाई थी। बोले क्यों शंकर जी अमरनाथ कथा सुनाए, इसका क्या रहस्य है। बोले एक समय श्री नारद जी बिना बजाते बजाते कैलाश में पहुंचा, उसी समय शंकर जी कहीं सत्संग में गए हुए थे, घर में अकेली मैया पार्वती थी। श्री पार्वती के को श्री नारद जी प्रश्न करते हैं, बोले माता जी सब ठीक ठाक है। बोले बेटा तेरे आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है, लेकिन आप जानते हो हम कहते हैं ना, तुम क्या नारद जी का काम कर रहे हो, मतलब नारद जी क्या करता है, झगड़ा लगाते हैं। हम कहते हैं तुम क्या नारद जी का काम कर रहे हो, लेकिन नारद जी कभी झगड़ा नहीं लगाते हैं, वो ऐसे कुछ काम करते हैं नारद जी जैसे भगवान की कोई लीला प्रकट हो जाए। फिर नारद जी आनंद लेते रहते हैं। इतने में श्री नारद जी पूछे माता जी सब कुशल मंगल है ना। बोले हाँ माता जी, बेटा तेरे आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है। बोले कैसे कुशल मंगल है। बोले देखो शंकर जी मेरे को बहुत प्रेम करते हैं, वही पत्नी सुहागिनी जिसको पति प्रेम करता है, और वही पत्नी दुर्भाग्यनी जिसको पति प्रेम नहीं करता है, इसलिए शंकर जी मेरे को बहुत प्रेम करते हैं शंकर जी। इतने में श्री नारद जी ने पूछा बताओ कैसे प्रेम करते हैं। बोले कपड़ा लता दे करके नहीं, खाना पीना दे करके नहीं। शंकर जी जब सत्संग सुन करके आते हैं, सबसे पहले शंकर जी मुझे भगवान की कथा सुनाते हैं। देखो वही प्रेम प्रेम है, वही पति पति है, वही पत्नी पत्नी है। अगर पत्नी पति को प्रभु की भजन में मदद करे, वही पति पति है अगर पत्नी को प्रभु की भजन में मदद करे। अगर प्रभु की भजन में मदद नहीं करे, केवल खाओ पियो कपड़ा लता दो मर जाओ, कभी ये प्रेम प्रेम नहीं है, है? प्रेम प्रेम नहीं। इसलिए माता पार्वती कहती हैं श्री नारद जी जब श्री शंकर जी बाहर से कथा सुन करके आते हैं, सबसे पहले मेरे को ये कथा सुनाते हैं, इसलिए शंकर जी को मेरा बहुत अच्छा लगता है। देखो आज का जानते हो आज का दिन क्या है, हमको पता है आज का दिन क्या है, कहती है शंकर पार्वती का शादी का दिन है। आज शंकर पार्वती ने शादी की थी, इनकी शादी का दिन है। आपको पता होगा हम आगे कथा सुनेंगे, जब श्री माता सती ने जिस समय भगवान राम वनवास में गए थे और रावण ने माता सीता को उठा करके ले गया, उसी समय प्रभु राम हासिते बोल करके पेड़ पौधा लता पताओं को पूछ रहे थे क्या मेरे सीते को कहीं देखे हो। इतने में प्रभु राम हैं माता सीता को पूछ रहे थे, ढूंढ रहे थे सीता कहाँ है सीता कहाँ है, और ढूंढ रहे थे सीते कहाँ है सीते कहाँ है। उसी समय में शंकर और सती वो प्रभु की कथा सुनते हुए जा रहे थे। जब जा रहे थे श्री शंकर जी प्रभु राम को दूर से परिक्रमा कर रहे थे, बोलते प्रभु के लीला में कोई व्याघात नहीं हो। इतने में सती ने पूछे बोले प्रभु जी आप किसको प्रणाम कर रहे हो, जो परम ब्रह्म परात पर प्रभु राम की आप मुझे कथा सुनाते हो,
क्या वही ये परम ब्रह्म परात्पर राम ना ये कोई साधारण जीव है? क्योंकि मेरे को पता है सीता को रावण ने उठा करके नहीं ले गया, वो माया सीता थी। जो असली सीता है प्रभु राम अग्नि को पास में उनको शरणागति में दे करके आए हैं, वो नकली सीता को ही राम उठा करके लेकर गए। ये तो मेरे को पता है, अगर ये परम ब्रह्म अगर राम होते क्या ये बात उनको पता ही नहीं? इतने में शंकर जी पार्वती को समझाने के लिए कोशिश की, बोले पार्वती ये वही परम ब्रह्म परात्पर राम है। सती बोलती है मैं लिखी पड़ी हूँ, ऐसे थोड़ी मैं मान जाऊंगी, मैं तो परीक्षा करके देखूंगी, मैं तो परीक्षा करके देखूंगी। देखो ये जगत में ऐसे पांच पौ होते हैं, आप सारा दुनिया को समझा दो लेकिन ये पांच पौ को नहीं समझा सकते। जानते हो वो पांच पौ कौन है? पहला पौ है पत्नी, पति सारा दुनिया को कुछ समझा दे। देखना जब अपना पत्नी को कोई बात बताए ना, पत्नी कहती अरे इनको तो मैं समझाती रहती हूँ, ये हर समय गड़बड़ी करते रहते हैं, इनको तो मैं समझाती रहती हूँ, सर आप भले ही दुनिया को जो कुछ करो, लेकिन ये अपना पत्नी को पहला पग पत्नी को नहीं समझा सकते हो। बोले दूसरी पग कौन है? बोले पुत्र। आप सारा बेटे को पढ़ा दो, देखना अपना बेटे को ही नहीं पढ़ा पाओगे, बेटा कोई बात नहीं सुनेगी। जो तीसरी पग है कहती ये पुत्री, पुत्री मतलब होता है बेटी, है सारा दुनिया बात तो सुनेगा लेकिन तेरी बेटी बात नहीं सुनेगी। और जो चौथा जो पर है परिवार, परिवार वाले हैं, भले ही सारा दुनिया तेरे को इज्जत करते हैं, देखना परिवार में कोई भी तुमको इज्जत नहीं करता है, भले ही हमारे घर सामने जन्म हुआ ये क्या जानता है, देखना परिवार वाले तुमको आदर नहीं करेंगे। और जो पंचमा पर है तुम्हारी पड़ोसी, देखना सारा दुनिया में तुम्हारी मित्रता लेकिन पड़ोस में लड़ाई झगड़ा, पड़ोस में तुम्हारी लड़ाई झगड़ा पड़ोसी। इसलिए शंकर जी पत्नी को समझाने के लिए कोशिश की, लेकिन सती कहती है मैं लिखी पड़ी हूँ, ऐसे थोड़ी समझ जाऊंगी जो बोल दोगे, मैं तो परीक्षा करके देखूंगी। तब शंकर जी बोले भैया तू परीक्षा करके देख ले। इतने में सती ने उसने सीता का रूप धारण किया, बोले अगर ये परम ब्रह्म राम होएंगे फिर तो मेरे को पहचान जाएंगे, नहीं तो मेरे को आलिंगन करेंगे। इतने में सती ने उसने सीता की रूप धारण कर ली और प्रभु राम को सामने आ गए। इतने में प्रभु राम बोले, बोले माता जी शंकर तो उधर से चले गए, आप इधर कैसे चले आए? बोले ये तो मेरे को पहचान लिए। इतने में सती ने जब उन्होंने प्रणाम प्रभु को करके उठी ना, फिर भगवान राम बोले देखो सीता मेरे से कहीं अलग है ही नहीं, सीता और मैं कोई अलग नहीं है, मेरे अंदर में ही सीता है। तो उन्होंने जितने वृक्ष लता बता में दिखाए, सिया राम मैं सब जग जानी, जहां देखे वही सीता राम सीता राम सीता राम, मतलब सीते हमसे कोई अलग है ही नहीं, सीता तो मेरे साथ में ही है, सीता कहीं गई नहीं। फिर जब पार्वती प्रणाम करके खड़ी होती है ना, वही राम, हा सीते सीते तुम कहाँ हो, लता पता हिरण वृक्ष भंवर भ्रमर सबको पूछ रहे हैं। फिर तो मैया पार्वती बोलिए तो परम ब्रह्म राम। फिर जब वापस आए, इतने में शंकर जी फिर प्रश्न की, बोले सती तुमने परीक्षा की नहीं की कि नहीं? देखो अगर हमसे कोई गलती हो जाती है ना, अगर पति को पास में अगर कोई गलती हो गई, आप इसको स्पष्ट बता दो हमसे ये गलती हो गई। अगर आप गलती को छुपाओगे ना, देखना एक झूठ के बाद में दूसरे झूठ, दूसरे में तीसरे झूठ, चौथे फिर झूठ झूठ ही बोलते जाओगे। अगर सती मान जाती प्रभु मैंने ऐसे रूप धारण करते हुए परीक्षा की, फिर तो समाप्त हो जाता। फिर सती ने फिर झूठ शंकर जी से बोल दिए, बोले प्रभु आप थोड़ी गलती कुछ कर बोल सकते हो, आप तो जो बोले सही बोले। शंकर जी ध्यान लगाए, ये सती ने कौन सा रूप लेकर के उन्होंने परीक्षा की, देखा मेरी माँ जगदम्बा जगजननी माता सीता के रूप उसने धारण किया।
वो तो सीता अपना इष्टा इनके आराध्या देवी, फिर शंकर जी हृदय से उन्होंने माता सती को उन्होंने पत्नी रूप में त्याग दिया। जब उन्होंने त्याग दिया ना, देवतालोक आकाश मार्ग से उन्होंने पुष्प की बौछार की और उन्होंने शंकर जी की जयकार लगाई। बोले श्री भोले बाबा की। जब उन्होंने जयकार लगाए और शंकर जी चुप हो गए, सती बोली ये देवता लोग जय जयकार क्यों कर रहे, क्या बात है। फिर शंकर जी माता सती को पत्नी रूप से उन्होंने त्याग दिया। अभी उन्होंने गुरु रूप में देखते हैं सती को। पहले वाम पार्श्व में बैठाया करते थे, भगवान की मीठी मीठी प्यारी प्यारी कथा सुनाया करते थे और शंकर जी कथा नहीं सुनाते हैं। उनको वाम पार्श्व में पत्नी के स्थान नहीं, सामने गुरु का स्थान देते हैं। सती ने देखा इसी जीवन में और शंकर मेरे को स्वीकार नहीं करेंगे, पत्नी रूप में और मेरे को कथा नहीं सुनाएंगे, इसलिए माता सती ने बहाना बना करके कहां पर गए, जब दक्ष प्रजापति कनखल में जब उन्होंने यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने सबको निमंत्रण दिए, सारे दामादों को उन्होंने निमंत्रण दिए, केवल श्री भोले बाबा को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिए, शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिए। और जितने उनकी दामाद थे सबके सब विमान में बैठ करके आकाश मार्ग में जा रहे थे और शंकर और सती बैठे हुए। सती एक एक कर देख रहे, मेरी बड़ी बहनी जा रही है अपना दामाद को साथ में, हाँ सबके सब जा रहे हैं लेकिन केवल मैं ही नहीं जा पा रही। देखो शादी की बात में ना, जैसे घर में चार पांच बहनी है, शादी के बाद में क्या होता है अपना अपना ससुर घर में चली जाती है, लेकिन फिर कब इकट्ठे होते हैं। अगर कभी पिता घर में कोई उत्सव करे, फिर अपना बेटियों को निमंत्रण दे दामाद को, फिर सारे बेटियां घर में इकट्ठे होते हैं और अपना दुख सुख की बात करते हैं, फिर पिताजी कपड़ा लता गहना सब बेटियों को देते हैं। यही जीवन में एक आनंद है। इतने में सती ने देखा मेरे सारे बहन सबके सब दामाद विमान में जा रहे हैं लेकिन अकेले केवल हम ही नहीं जा रहे। इतने में सती ने शंकर जी को बोले, बोले प्रभु देखो जितने हमारी बहन दामाद सब जा रहे हैं और तुम्हारी जो ससुर है ना वो कनखले में यज्ञ कर रहे हैं, चलो हम चलते हैं। लेकिन शंकर जी को पता है दक्ष प्रजापति क्यों यज्ञ कर रहे हैं, बोले क्यों यज्ञ कर रहे हैं, उन्होंने शंकर जी को अपमान करने के लिए, शंकर जी को अपमान करने के लिए। बोले क्यों, बोले जिस समय कुंभ मेला में सारे देवता लोग आए हुए थे, 33 करोड़ देवता, ब्रह्मा शंकर भी आए हुए थे, ये दक्ष प्रजापति, दक्ष की जो पिताजी दक्ष प्रजापति, जब उन्होंने प्रवेश किए सबके सब खड़े होकर के उनको स्वागत की, केवल दो व्यक्ति खड़े नहीं हुए, कौन कौन, एक ब्रह्मा जी और एक श्री भोले बाबा। दक्ष प्रजापति ऐसे ऐसे देख रहे थे, मेरे को देख करके कौन खड़ा हुआ और कौन खड़े नहीं हुए। उन्होंने देखा के बोले दो व्यक्ति खड़े नहीं हुए, बोले ब्रह्मा जी तो मेरे पिताजी लगते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये शंकर जी को तो मैंने सबसे प्यारी सबसे जो सुंदरी थी, हाँ ये जो सती सबसे छोटी बहनी थी, इसकी मृग नयनी अपूर्व सबसे सुंदरी थी और उन्होंने सबसे सुंदरी बेटी उन्होंने श्री शंकर जी को दिया था, बोले ये तो मेरा बेटा लगता है और मैं ससुर हूँ पिताजी के बराबर और मैं आया तो मेरे को देख कर खड़ा भी नहीं हुआ, मेरे को देख कर खड़े तक भी नहीं हुआ। इतने में शंकर जी को उन्होंने दक्ष प्रजापति ऐसे उन्होंने गाली गलौज की, इतने गंदी गंदी उन्होंने शंकर जी को गाली दी, लेकिन शंकर जी कुछ भी नहीं बोले, शंकर जी कुछ भी नहीं बोले। अगर तीसरी नेत्र शंकर जी के खोल जाए ना, सारा दुनिया को ध्वंस कर सकते हैं, लेकिन शंकर जी बैठी बैठी करके मीठी मीठी मुस्कुरा रहे थे। देखो अगर आपका कोई गाली दे रहे हैं लेकिन आप बैठी बैठी करके मुस्कुराओ, फिर क्या होता बताओ, बड़ा क्रोध आता है, बोले इसको मैं गाली दे रहा हूँ और ये बैठी बैठी करके मुस्कुरा रहा है। फिर तो शंकर जी को गाली, बंदर जैसे लाल लाल आग करके बैठा हुआ, भूत पिशाचों के साथ में रहता है, बोले जितने सारे शंकर जी के भक्त पाखंडी बनेंगे, गाली ऊपर गाली देने लग गए।
गाली ऊपर गाली, लेकिन शंकर जी तब भी कुछ बोले नहीं, चुपचाप वहां से चले गए। फिर दक्ष प्रजापति को क्रोध आया, बोले इसको अपमान करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने कनखल में फिर यज्ञ करवाए, लेकिन श्री शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिए। इसलिए जब निमंत्रण शंकर जी को नहीं दिए, केवल शंकर जी को अपमान करना चाहते हैं। इतने में सती ने बोली, देखो शंकर जब बोले, देखो मेरे पास में कोई दक्ष प्रजापति का कोई निमंत्रण नहीं आया, मैं कैसे जा सकता हूँ। सती बोले, देखो ऐसे कुछ स्थान है जहां पर निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं। बोले कहाँ कहाँ पर? बोले एक पिताजी के घर है, निमंत्रण की जरूरत नहीं बेटी, जिस समय इच्छा करे अपना पिताजी के घर में जा सकती है। दूसरी जो स्थान है, जैसे भगवान की मंदिर है, ठाकुर जी के मंदिर के लिए कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं। बोले तीसरी स्थान कहाँ है? बोले अपना गुरु जी को स्थान पर, अपना गुरु जी के स्थान पर कहते निमंत्रण की जरूरत नहीं। ऐसे नहीं गुरु जी फोन कर घर थम जाए, वहां की कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं। और चौथा स्थान क्या है? जैसे ये श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, ये भागवत कथा में निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं। क्यों? ये भगवान की कथा है, श्री ठाकुर जी की कथा है। इतने सती शंकर जी को ये बात को बोले, लेकिन शंकर जी बोले, नहीं मेरे पास में कोई निमंत्रण नहीं, इसलिए मैं जा ही नहीं सकता हूँ। इतने में सती ने शंकर जी की बात नहीं सुन करके वहां पर गए, देखा सभी के लिए यज्ञ भाग है, लेकिन केवल एक शंकर जी के लिए कोई यज्ञ भाग नहीं, कोई उनको आदर नहीं दी। इतने में माता सती ने बोले, सीव जो दो अक्षर है, हैं दो अक्षर जो सीव है, अगर इसको कोई सुन ले बोल ले उसको मुक्ति मिल जाती है। सीव मतलब होता है कल्याणकारी, सीव मतलब मंगल है, कहते ना सत्यम शिवम सुंदरम। लेकिन ये दक्ष प्रजापति मेरे पिताजी मेरे पति को सम्मान नहीं किया है, जब तक ये शरीर रहेगा सारा दुनिया यही बोलते रहेंगे। क्या बोलते रहेंगे? कहती ये किसकी बेटी है? बोले ये दक्ष प्रजापति की बेटी है, मैं नहीं चाहता हूं, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। शरीर रहेगा सब तो दुनिया बोलेंगे दक्ष प्रजापति का बेटी, मैं नहीं चाहता हूं ऐसे दुष्ट व्यक्ति का नाम मेरे साथ में लगाया जाए। वहीं पर देखते देखते सती ने वहीं पर अपना प्राण को त्याग कर दिया, त्याग करके उन्होंने हिमालय की बेटी बनकर के जन्म हुई, हिमालय की पार्वती रूप में जन्म हुई। फिर उन्होंने शंकर जी को पाने के लिए श्री नारद जी उनको मंत्र प्रदान की, और उन्होंने शंकर जी को पाने के लिए पार्वती ने कठोर तपस्या की। जब शंकर जी संतुष्ट नहीं हुए, फिर उन्होंने एक बेल वृक्ष को नीचे बैठी करके पार्वती तपस्या कर रही थी। इन्होंने किया थी पहले बेल पत्ते को तो खा खा करके तपस्या कर रही थी, लास्ट में उन्होंने बेल पत्ते को भी त्याग दिया। इसलिए माँ का एक नाम पड़ गया अपर्णा। क्या नाम पड़ गया? अ मतलब नहीं, पर्णा मतलब होता है पत्ता। उन्होंने पत्ते तक भी त्याग दी शंकर जी को पाने के लिए। फिर शंकर जी संतुष्ट होते हैं, बोले ठीक है फिर तेरी साथ में मेरी शादी हुई। फिर शंकर जी आज का दिन उन्होंने बारात लेकर के आए, बोले कहा? प्रसी पार्वती को साथ में शादी करने के लिए आए। लेकिन जब बारात लेकर के आए ना, पहले तो नारद जी समझाए थे पार्वती को, पार्वती की माँ को, बोले बड़े सुंदर है बड़े दयालु है। लेकिन जब उन्होंने बारात लेकर के आए ना, शंकर जी की बारात कैसे है? जितने भूत पिशाच हैं, सब भूत पिशाच। जब बारात आ रहे थे ना, पार्वती की जो माँ थी वो तो आरती की थाला लेकर के अपना दामाद को स्वागत करने के लिए खड़ी थी। लेकिन जब शंकर जी आए भूत पिशाच आंधी तूफान देख करके सबके सब दरवाजा बंद कर दिए, घर में घुस गए। पार्वती की माँ जो थी ना, मैंने कहा उसने नारद जी को गाली देने लग गई, ये नारद जी बड़े दुष्ट है। बोले बड़े सुंदर दामाद हैं,
जितने भूत पिशाचों के साथ में, इतने में श्री नारद जी जाकर के शंकर जी को समझाए, बोले प्रभु ये बताओ शादी करके बहू साथ में लेकर के जाना ना फिर बरात को वापस लेकर के जाना चाहते हो? बोले जब आए हैं शादी करके जाएंगे। बोले अगर आप शादी करके जाना चाहते हैं ना, ये जो तुम्हारी ड्रेस को उसको बदलाओ, ये ड्रेस को बदलाओ। फिर शंकर जी के शरीर में जो व्याघ्र चर्म थे वो मखमल वाले कपड़े बन गए, शरीर में जो राख मले हुए थे वो सबके सब स्नो पाउडर बन गए, जो गले में सर्प की माला थी वो सोने हीरे जवाहरात की सबके सब हार बन गए। इतने सुंदर शंकर जी हाँ कहते ना सत्यम शिवम सुंदरम, सबके सब उन्होंने बदल गया सबके सब। और मेनका देख करके ना इतने सुंदर शंकर जी को देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। फिर आज का दिन बड़ी धूमधाम से शंकर पार्वती के आज का दिन शादी हुई थी, इसलिए जो शिवरात्रि है ना कहते इनका आज शादी का दिन है शंकर पार्वती को। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। देखो जब शादी हो गई ना, अभी शंकर जी पार्वती को प्रश्न करते हैं। देखो ध्यान देकर सुनो, ये भगवान की कथा कितने दुर्लभ है। जब शादी हो गई, अभी शंकर जी पार्वती को प्रश्न करते हैं, बोले पार्वती अभी तू बता, तू मेरे को पाने के लिए इतने कठोर तपस्या क्यों की, बताओ तेरे को क्या चाहिए। देखो जैसे तुम्हारी शादी हो गई, अगर पति तुम्हें प्रश्न करता है तुम बताओ तुमको क्या चाहिए, बताओ तो तुम लोग क्या मांगोगे, बताओ आप लोग पति से क्या बोलोगे? बोलोगे चलो विदेश हनीमून मनाने जाएंगे, बोलोगे ना चलो हम कहीं हनीमून मनाने चलते हैं, नहीं तो बोलोगे हमें सिनेमा दिखाने के लिए ले चलो, नहीं तो बोलोगे ऐसे ऐसे साड़ी और ऐसे ऐसे गहना हमारे लिए, यही तो बोलोगे ना, इससे ज्यादा कुछ बोलोगे? हाँ देखो जब शादी हो गई, शंकर जी जब पूछे पार्वती को तुम्हें क्या चाहिए, देखो पार्वती क्या कहती है, बोले प्रभु मैंने जब आपको इतने कठोर तपस्या की पाने के लिए केवल एक चीज के लिए, बोले वो चीज क्या है, बोले भगवान की कथा सुनाने के लिए। अगर आप मेरे को प्रेम करते हो केवल मेरे को प्रभु की मीठी मीठी कथा सुनाओ, और मेरी मन में जो प्रभु राम का प्रति हमारी शंका हो गई थी, मेरे को प्रभु की कथा सुना करके मेरे हृदय की शंका को दूर कराओ, मेरे हृदय की शंका दूर कर दो, केवल एक चीज मैं चाहता हूँ और कोई चीज नहीं चाहता। देखो ये भगवत कथा की कितने महिमा है, इसलिए यही कथा को श्री जब श्री नारद जी कैलाश में पहुंचे, शंकर जी को जब उन्होंने नारद जी बोले देखो पार्वती आप कहते तो शंकर जी बड़े प्रेम करते हैं लेकिन तुम्हें केवल ऊपर ऊपर से प्रेम करते हैं, अंदर से प्रेम नहीं। बोले मतलब? बोले ये बताओ शंकर जी के गले में एक मुंड की माला देखे हो? बोले हाँ। बोले शंकर जी ने कभी तुम्हें बताया ये मुंड की माला है किसकी, क्यों ये मुंड की माला धारण करते, कभी बताया? बोले नहीं। बोले इसलिए तो मैं बोलता हूँ शंकर जी तुम्हें ऊपर ऊपर से प्रेम करते हैं लेकिन अंदर से शंकर जी तुम्हें प्रेम नहीं करते हैं। बोले देखो जब श्री शंकर जी आज आए ना, तुम मान भवन में लेट जाओ और शंकर को तीन बार कसम खिला करके पूछो, फिर शंकर जी ये बात को बताएंगे। इतने में श्री नारद जी इतनी सी बात बताए और बिना उठा करके नारद जी कीर्तन करते करते नारद जी वहां से चले गए। गोविंद मेरो गोपाल मेरो श्री बा
जब जब कीर्तन हो अभी से मन देखना सात दिन बाद तो जब जब कीर्तन है काली जरूर कालियों की सेवा जरूर देखिए कीर्तन में ताली बजाना भगवान के लिए माला बनाना और नृत्य करना ये सब भक्ति का अंग है इसलिए ताली की सेवा जरूर ताली बजा के लाएंगे सब लोग गोविंद मेरो है उपार मेरो क्या बोले आप लोगों की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही क्या बोल रहा है और जोर से हाँ आप आवाज आई तो यही बोल रहा है राधे राधे बोल रहा है प्यार से बोलो I'm
नारद जी जब चले गए इतने में श्री शंकर जी आए। देखा आज घर में कोई स्वागत करने वाले नहीं। माता पार्वती मान भवन में लेट हुई महिला कपड़ा पहन करके। शंकर जी जब थोड़ा ऐसे हाथ रखे ना, उन्हें तो हाथ को फेंक दी। बोले क्या हो गया? बोले पहले तो मैं समझ रही थी आप भोले बाबा हो, अभी मेरे को पता चला आप कपटी बाबा हो। बोले मतलब क्या है? बोले मतलब क्या, आप तो मेरे को केवल ऊपर ऊपर की कथा सुनाते हो, अंदर की कोई बात ही नहीं सुनाते। बोले भैया अंदर की कौन सा बात है? बोले तीन बार पहले कसम खाओ मैं नारद जी की पक्का चली हूँ। बोले हाँ मैं तो यही सोच रहा था, मैं जब आ रहा था ना नारद जी बड़े तेजी से जा रहे थे, मैंने नारद जी को बोला थोड़ा रुक जाओ। बोले आज मेरे पास में समय नहीं, मैं तो समझ गया था कुछ गड़बड़ी करके गए हैं। बोले बताओ शंकर जी जब तीन बार कसम खाए, बोले ये बताओ गले में ये जो मुंडे की माला ये किसकी है? आप इसको क्यों शरीर में धारण करते हो, कभी त्याग नहीं देते? बोले पार्वती ये तुम्हारी मुंडे है। बोले मेरे मुंडे तो मेरे शरीर में, आपके गले में कैसे आ गई? बोले पार्वती तेरे को पूर्व जन्म की बात पता नहीं, पूर्व जन्म में तुमने सती बन करके जन्म हुई थी और तेरे पिताजी मेरे को अपमान की, इसी दुख से तुमने कलखल में शरीर त्याग दी। बोले एक जन्म नहीं, कितने जन्म से तुम ये शरीर त्याग करते आ रहे हो, और जब जब तुम शरीर त्याग करती है ना तब तक मैंने तेरे सर को गले में हार रूप में धारण कर लेता हूँ। पार्वती बोली प्रभु पहले तो मैं सोच रही थी आप तो कोई छोटे मोटे कपटी हो गए, अभी तो मेरे को पता आप सबसे बड़े कपटी निकले हो। बोले क्यों? बोले ऐसे आप क्या अमर बोटी को पान की आप मर नहीं रहे हो, अब मैं मरती जा रही हूँ। देखो शंकर जी क्या कहते हैं। बोले पार्वती जब से मैंने ये भागवत कथा रूपी अमर बोटी को मैंने पान की तब से मैं ये अमर हो गया। पार्वती कहती है प्रभु फिर तो मेरे को ये कथा सुना दो, फिर तो हम दोनों अमर हो जाएंगे। शंकर जी कहते पार्वती ये कथा तो सब नहीं सुन सकते, ये कथा तो सब नहीं सुन सकते हैं। बोले कौन सुन सकते हैं? बोले कथा तो वही सुन सकते हैं, बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जिनको करोड़ों करोड़ों जन्मों का कोई पुण्य उदय होगा पार्वती तभी ये कथा को कोई सुन सकते हैं, नहीं तो कथा में सब नहीं बैठ सकते हैं। देखो जब भगवान कृष्ण बंसुरी बजाए ना ब्रज में तो बहुत गोपियां थी, लेकिन ये रासलीला में कौन कौन आए हैं? बोले कृष्ण जिसको बुलाना चाह रहे थे केवल वही गोपियां ही वो रास में आई, सब गोपी सब नहीं आ पाए ब्रज में। कहते उसी तरह ये जो भागवत कथा में ना, कहती कथा में सब नहीं आ सकते हैं। बोले कौन आ सकते हैं? बोले कन्हैया तो बंसुरी बजाए, लेकिन जिसको कानों में ये बंसुरी की आवाज पड़े केवल वही ये कथा में आ सकते हैं। मतलब है आप लोगों को तो कृष्ण तो बंसुरी बजाए लेकिन कान में केवल आपकी कान में बंसुरी की आवाज पड़ी। बताओ खोड़े में कितने लोग हैं, ये खोड़े में कितने लोग हैं, लेकिन यहाँ सब कोई आए क्या? कोई देख करके टीवी देखता होगा, कोई सास बहू की बात करते होगी, कोई किसी की चुगली करते होगी, लेकिन कथा में क्या आए? कथा में सब नहीं आए, इसलिए सुन सकते हैं कि बात हो जाए। देखना कितना जोश और कितने चटपटी और कितने आनंद आती है। बोले मैंने भी सुना, तुमने सुनी, बोले हमने भी सुना, लेकिन देखना जो भगवान की कथा हो ना वो रुचि नहीं आती है, कथा में रुचि नहीं आती है,
सो जाओ गया, नहीं तो भाग करके चले जाओ। लेकिन दुनियादारी की बात हमें बड़ी चटपटी बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए जब माँ पार्वती सो गई और उन्होंने जब जयकार लगाए, इतने में मैया पार्वती जग गई, बोले इसको बाद में किया हुआ, बोले कथा तो समाप्त हो गई, बोले नहीं मैं बीच में सो गई थी, बोले सो कैसे गई थी, तू तो हुंकार भर रही थी, बोले मैंने हुंकार भरी नहीं। शंकर जी ने देखा ये अमर कथा है, ये कथा को जो सुनेगा वो मरेगा नहीं, अगर कोई दुष्ट व्यक्ति अगर ये कथा सुन ली वो तो मरेगा नहीं, अगर कोई दुष्ट व्यक्ति अगर कथा सुन लिया मरेगा नहीं, पर ये जगत के लिए हानिकारक है देखना। इसलिए देखना बहुत लोग तो आए कथा में बैठे, लेकिन कुछ बीच में लोग उठ करके चले गए, क्यों चले गए? यहाँ पर कहते हैं जो पापी लोग है ना कथा नहीं सुन सकते हैं, वो कथा में बैठ नहीं सकते ही, लेकिन कोई दुनियादारी की सिनेमा में तीन तीन घंटा बैठेगा देख करके। इसलिए ये शंकर जी इसलिए ये बात वो कह रहे हैं, वो पापी कथा नहीं सुन सकते हैं। लेकिन अगर बहू बेटी दुनियादारी कोई नाट नबल हो ना, कोई ड्रामा हो, देखना पैसा देकर टिकट काट कर वहां पर बैठ कर कथा सुन। इसलिए शंकर जी ने देखा, शंकर जी ने देख रहे भैया कोई दुष्ट व्यक्ति अगर कथा सुन लिया तो जगत के लिए हानिकारक है, लेकिन ये कथा सुनी किसी ने, कथा सुनी किसी ने। इतने में उन्होंने देखा वो वृक्ष को ऊपर में पत्ते को आड़ में एक तोता बैठ करके कथा सुन रहा है। शंकर जी ने कहा तुमने ये ब्रह्म ज्ञान को चुराया, तुमने है? आगे बैठ नहीं बैठ करके तुमने ब्रह्म ज्ञान को तुमने चुराया, इसलिए तू बचने का लायक नहीं है। इसलिए शंकर जी उठाया त्रिशूल, त्रिशूल उठा करके उन्होंने वो पक्षी को मारने के लिए पीछा की, और वो जो तोता थी वो उड़ते गया, वो उड़ते गया, और शंकर जी उसको पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। अभी उड़ते उड़ते पहुंचा बद्रिका आश्रम पर, वहां पर भी व्यास देव अपना पत्नी बिटका को भी यही ब्रह्म ज्ञान यही भागवत कथा सुना रहे थे। वो भी कथा सुनते सुनते प्रेम में ऐसे करते हुए मुंह खोल करके बैठी कथा सुन रही थी बड़े आश्चर्य से। इतने में वो तोता सूक्ष्म रूप धारण करते हुए आया और उनकी गर्भ में प्रवेश कर गया। शंकर जी हाँपते हाँपते सारा शरीर से पसीना पसीना निकल रहा था। श्री व्यास देव जी ने पूछे, बोले कहां से आप हाँपते हाँपते आ रहे हो, शरीर से पसीना बह रहा है? बोले बड़ा अनर्थ हो गया। बोले क्या हो गया? बोले एक तोता ने ये अमर कथा सुन ली। बोले ये अमर कथा का मतलब क्या होता है? बोले जो सुनेगा वो मरेगा नहीं। बोले ये तोता कथा सुनी कि नहीं? बोले हाँ। बोले सचमुच से आप भोले हो? शंकर जी का एक नाम भोले बाबा है, नाम क्या है? भोले बाबा शंकर जी, बड़े भोले वाले शंकर जी, क्योंकि ये वैष्णव है ना। बोले आप स्वयं बताते हो ये कथा अमर कथा, जो सुनेगा मरेगा नहीं, जब तोता कथा सुन लिया फिर आप मारने के लिए पीछा कैसे कर रहे हो? शंकर जी ने देखा बात तो सही बात है। शंकर जी है ध्यान लगा, ये तोता कौन है, ये तोता कौन है जो कि बैठ करके ये कथा सुन ली? उन्होंने शंकर जी ध्यान लगाए, देखा सचमुच से ये जो तोता है ना ये साधारण तोता नहीं। तब हमारा शास्त्र में बताया, पर ये तोता कौन है? बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेना एकांत कनन रहस्य पाटी निकुंज प्रसाद सदा निवासी। बोले ये तोता कौन है? बोले ये गोलोक वृंदावन में राधा रानी की जो निकुंज मंदिर है, जहाँ पर श्री प्रिया प्रियतम निकुंज में लीला करते हैं, वो तोता वहीं की रहने वाले। कभी कभी श्री राधा रानी ये तोते को हाथ में बैठा करके कभी कृष्ण नाम सुनाया करती थी। बोले तोता बोलो तो कृष्ण कृष्ण, वो तोता भी एकदम राधा रानी की जैसे गला की आवाज से वो भी बोलता था राधे राधे कृष्ण कृष्ण। एक दिन रात में बैठ गया, जब बैठ गया इतने में कृष्ण भी बड़े सुंदर अनार की दाना खिलाए, बड़े उसको प्यार दिए। अभी
राधा जी की एक सखी थी जिसका नाम थी माधुरी का। राधा जी बोले देखो तो मेरी की तोता कहाँ से निकला है। उसने जब आया तोता उसको दे दो। बोले ये तोता तो मेरा। बोले नहीं हमारे किशोर जी की पालता तोता है। बोले अगर ये तुम्हारी पालता तोता मेरे को हाथ से बुलाओ, अगर मेरे हाथ से उड़ते हुए तुम्हारे पास में चले जाए ना, फिर मैं समझूंगा भैया तुम्हारा तोता तुम ले जाओ। बोले तेरा नाम ही कृष्ण है। उनका नाम कृष्ण, जानते हो कृष्ण का मतलब क्या? बोले क्री मतलब होता है आकर्षण करना और स्ना मतलब आनंद देना। मतलब सबको जो अपना तरफ में आकर्षण करते हैं और सबको जो आनंद देते हैं ये कौन है? ये कृष्ण है। बोले तेरे को कोई भूल सकता है? फिर कृष्ण बोले फिर तुम जाओ। इतने में गए श्री यशोदा को पास में। बोले यशोदे हमारी तोता उड़ते हुए चला आया, कृष्ण पकड़ लिए और देना नहीं जा रहे हैं और हमारे से राधा भाई बड़े दुखी है। बोले कोई चिंता मत करो, कृष्ण जब गैया चराने के लिए जाएंगे पीछे से ये तोते को मैं भेज दूंगा। फिर कृष्ण ये तोते को पीछे भेज दिए। फिर श्री शंकर जी ने देखा ये तोता कौन है। जब भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके चले गए, ये तोते को वो गोलोक वृंदावन से लाए थे और जाते समय ये तोता भी तैयारी हुआ जाने के लिए। बोले अगर तू चले जाओगे ना फिर ये तोते को छोड़ कर यही तोता ही श्री व्यास देव की पत्नी की गर्भ में प्रवेश करके श्री सुखदेव गोस्वामी रूप में जन्म हुए और सर्वत्र ये भागवत कथा को उन्होंने परिवेषण किया। फिर शंकर जी समझ गए, प्रणाम करके वहीं से चले गए। देखो ये कथा की कितने महत्व है, कितने महत्व है। ये शंकर जी कहते हैं पार्वती ये भागवत कथा सुनकर कहीं में अमरत्व की प्राप्ति की। कौन है? जो सत्यम शिवम सुंदरम। तब तक पार्वती शरीर छोड़ते रही, कब तक? जब तक ये भागवत कथा नहीं सुनी। वो भी इसी भागवत कथा सुनकर के पार्वती जगत में अमरत्व को प्राप्त की। इसलिए शंकर जी पार्वती को ये अमर कथा सुनाए। अगर हम भी ये कथा सुनोगे ना आप भी जगत में अमर हो जाओगे, जगत में आप भी अमर हो जाओगे। जिन जिनों ने सुने वो सबके समय अमर हो गए। आप लोग मीरा की नाम सुने हो? मीरा का नाम कौन कौन सुने हो? जानते हो ना जगत में अमर हो गई कि नहीं? हनुमान जी का नाम सुने हो? ये जगत में अमर हो गई कि नहीं? गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम सुने तो ये अमर हो गई कि नहीं? जिन जिनियों ने ये कथा सुने ना अमर हो गए। लेकिन हम क्या चाहते जानते हो? हम तो कहते अपना बेटा बेटियों को बॉलीवुड में हम हीरो हीरोइन बनाएंगे। सब बॉलीवुड में हीरो, अरे 20 साल पहले जो हीरो हीरोइन थे अभी दुनिया में उसका कोई नाम ले रहा है? अक्सर करके जितने बड़ी बड़ी हीरो हीरोइन हुए ना लास्ट में इतने डिप्रेशन में आए, गोली खा करके लास्ट में सबके सब मरे। ये सब के सब बड़े बड़े हीरो हीरोइन का नाम सब सुनोगे। लेकिन जो भगवान की अमर कथा सुना ना ठाकुर जी की, वो जगत में ये अमरत्व को प्राप्त की। इसलिए ये भगवान की कथा जगत में सबसे ज्यादा महत्व है। इसलिए आज आप लोग समझो बहुत भाग्यवान हो। क्यों? आज श्री शिव चतुर्दशी, आज शिव चतुर्दशी, शंकर नहीं इसी भागवत कथा को उन्होंने अमरनाथ में माता पार्वती को कथा सुनाए थे और आज ये शिव चतुर्दशी और शिव चतुर्दशी में आप सबके सब श्री ये भागवत कथा सुना रहे हो। इसलिए आज समझो हम लोग बड़े सौभाग्यवान, बड़े सौभाग्यवान। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ देखो आपसे एक प्रश्न करता हूँ। आप लोग ये बताओ ये 7 दिन तक कथा होगी, कितने से कितने तक कथा करने पर आप लोग ये कथा सुन सकते हो? क्योंकि अगर आप लोग अगर ये 7 दिन ये कथा सुनोगे ना, सही सही कथा नियम से सुनो, नियम से अगर ये कथा सुनोगे जो मांगोगे 7 दिन में ये भागवत सब पूरी कर देगा। इसलिए भागवत को बताया ये कल्प वृक्ष है, ये ग्रंथ नहीं, ये कल्प वृक्ष है। इसको बताया
आप लोगों बताओ, बड़े वालों को मैं प्रश्न करता हूँ, कितने से कितने तक कथा हो आप सबके सब आ करके सुन सकते हो, फिर हम उतना से उतना तक ही कथा करेंगे। बताओ तो क्या दो बजे से कथा सुना, दो से छह कह रही है, आप लोग कितने से कितने तक हैं बताओ, कौन कौन बोल रहे, दो से कितने तक, दो से कितने तक समझ, छह तक ना पांच तक, कितने तक सुन सकते, दो से छह तक ना पांच तक, हाँ दो से पांच तक कथा सुनेंगे, माता कह रहे हैं पांच तक कथा सुन सकते, ठीक है, तो दो से हम पांच तक कथा करेंगे, लेकिन कभी कभी साढ़े पांच हो जाएगा, ठीक है, साढ़े पांच, अगर कभी कृष्ण जन्म उत्सव हुआ तो हो सकता है थोड़ी छह भी हो जाएगी, लेकिन अंधकार होने से पहले हम कथा को विश्राम कर देंगे, अंधकार होने से पहले कथा को हम विश्राम कर देंगे, पांच साढ़े पांच तक कथा करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप लोग दो बजे आओगे तो, अगर दो बजे बोल दिया, अब भारत के लोग ना विदेश में ना, अगर दो बजे बोल दिया तो उसको पहले सबके सब आएंगे, और भारत में अगर दो बजे बोलोगे ना कितना बजे आएंगे, तीन बजे, तीन बजे किस तरह से घर से निकलेंगे और यहाँ से गाँव से तो पहुंचते पता नहीं कितना समय होगा, इसलिए एकदम हम कोशिश करेंगे टाइम से प्रारंभ करके टाइम से हम खत्म करने के लिए, इसलिए कोशिश कर रहे हैं एकदम दो बजे आने के लिए, ठीक है, हाँ एक भजन सुन लो, बोलो वृंदावन बिहारी नाम की जय, जय श्री राम, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे हो, वृंदावन मकरंद है रस की करत रस पान, प्यारी राधिका दुल्हन श्याम सुजा, कौन कौन वृंदावन जाएंगे, वृंदावन सभी लोग यहाँ से बहुत नजदीक है और अभी तो मानसिक रूप से जाना है ना, तो इसीलिए वृंदावन हम लोग रहते हैं तो वृंदावन में जगह जगह से लोग आते हैं, हम लोग पहचान जाते हैं, ये गुजरात से आए हैं, सब कीर्तन करते भैया और नाचते कूदते भैया, लेकिन यहाँ मैं देखूंगा वृंदावन कौन कौन जा रहे हैं नाचते कूदते, अरे वृंदावन धाम अपा
रही है, हर खोज गोपियां जो है पीछे बिल्कुल चुपचाप बैठी है। ऐसे में तो नींद आ जाएगी पंखी की, इसलिए पीछे जो बैठे हैं वो कम से कम तालियों की सेवा करें, तालियों की सेवा करते हुए पीछे भी जगह ठीक है। ये बने के मत समझो गुड़ गोपिया, I'm
सचिदानंद रूपाय विश्वत पत्याधिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कभी ये भागवत कथा की जो महात्मा, कभी ये दो ग्रंथ में आई है, एक है पद्म पुराण और एक है स्कंद पुराण। ये दो ग्रंथ में इसकी महिमा, जब श्री पद्म पुराण की महिमा बताते हैं, सर्वप्रथम उन्होंने मंगलाचरण की। मंगलाचरण में उन्होंने ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। बोले किसको प्रणाम करते हैं? बोले श्री कृष्णाय वयं नमः। केवल कृष्ण के चरण में नहीं, बोले श्री को साथ में कृष्ण। श्री मतलब कृष्ण का जो सौंदर्य माधुर्य और कृष्ण का जो शक्ति है, ये श्रीमती राधा रानी। आप वृंदावन में गए हो? कौन कौन वृंदावन में गए? आप देखना, वृंदावन तो बांके बिहार का धाम है, लेकिन देखना कोई भी बांके बिहार का नाम नहीं लेते हैं। किसका नाम लेते हैं? जोर से बोलो और जोर से। वृंदावन में सबके सब राधा जी के नाम, बोले कृष्ण नाम क्यों नहीं लेते हैं? ये राधा जी का नाम क्यों लेते हैं? ये स्वयं बांके बिहारी खुद कहते हैं, हैं? बोले राशब्द कुर्बन तस्मात् ददामी भक्ति उत्तमम्, धाशब्द कुर्बत पश्चात धावि श्रवण लोभवत्। ये कृष्ण खुद कहते हैं, अगर कोई रा अक्षर उच्चारण किया तो कृष्ण कहते हैं मैं खुद को खुद उसको दे देता हूँ, खुद का खुद उसको दे देता हूँ। अगर कोई धा शब्द बोल दिया ना, खैर तो ये दो अक्षर सुनने के लिए मैं भी उसको पीछे 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 भागता हूँ। इसलिए कहते हैं ना, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा जी का नाम लेते ही बिहारी अपने आप आ जाते हैं। इसलिए हम लोग जब ठाकुर का नाम लेते हैं ना, कहते हरे कृष्ण। एक बार बोलो सबके सब हाथ उठा करके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए पहले हम हरे बोलते हैं। हरे मतलब ये मूल शब्द हरा, मतलब जो कृष्ण का मन को प्राण को चित्त को जो हरण करती है वो कौन है? श्री हरा श्री राधिके और कृष्ण। हरे कृष्ण मतलब राधे कृष्ण। इसलिए उन्होंने पहले श्री राधा कृष्ण को चरण में प्रणाम करते हैं। यहाँ शिक्षा देते हैं, कत अकेला माधव पूजय सो ज्ञानी। तो अकेले कृष्ण को पूजा नहीं करनी चाहिए, जुगल सरकार की पूजा करनी चाहिए। घर में राधा कृष्ण होनी चाहिए। जहाँ अकेला कृष्ण है ना, राधा रानी नहीं, समझना कृष्ण वहाँ आधा, वो पूर्ण नहीं है। जब वो राधा जी के साथ में कृष्ण खड़े हो तब वो पूर्ण है, नहीं तो वो पूर्ण नहीं। इसलिए श्री राधा कृष्ण के चरण में
प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनके चरण में शरणागति होते हैं। तो अगर उनकी भक्ति करोगे तो क्या मिलेगा? बोले सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का तीन स्वरूप है, वो सत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप है। भगवान ये तीन स्वरूप है और हम इनकी संतान हैं। भगवान की हम संतान हैं, इसलिए वेद कहता है अमृतस्य पुत्रा। हम किसके पुत्र हैं? अमृत के। हम सबके सब संतान भगवान की संतान हैं। होने का नाते भगवान की तीन स्वरूप है, सत चित आनंद। देखना हम हर समय यही तीन चीज को ही ढूंढ रहे हैं। भगवान सत्य स्वरूप है। आप बताओ, कोई बूढ़ा होना चाहता है? कोई बूढ़ी होना चाहते हो? अगर हमारे एक बाल पक जाए ना, हम उसको उखाड़ देते हैं। मतलब हम बूढ़ा बूढ़ी कोई होना नहीं चाहते हैं। चवनप्राश क्यों खाते हो? ब्यूटी पार्लर में क्यों जाते हो? इतने श्रृंगार क्यों करते हो? जीव में क्यों जाते हो? भैया हम कोई बूढ़ा बूढ़ी होना नहीं चाहते हैं, हर समय हम जवान बना रहना चाहते हैं। बोले क्यों? बोले जो भगवान है वो नव किशोर नटवर है। भगवान की जो 14 साल से भगवान कभी उम्र ज्यादा होती नहीं। राधा जी की 13.5 साल से कभी उनको ज्यादा उम्र नहीं होती, इसलिए हम उसकी संतान हैं। इसलिए हम हर समय सत मतलब जवान बना रहना चाहते हैं। भगवान चित स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, इसलिए हम सबके सब ज्ञानी बनना चाहते हैं। कोई सीए करना चाहते हैं, कोई पीएचडी करता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है। अगर एक व्यक्ति को बोलू ना तेरे मतलब दिमाग नहीं, वो बोलेगा मेरा नहीं ना तेरा नहीं। मतलब जगत में कोई भी अपने आप को मूर्ख मानना नहीं चाहते, सब सोचते हैं हम पंडित। बोले क्यों? बोले भगवान पूर्ण ज्ञान स्वरूप है और भगवान आनंद स्वरूप है। देखना जिंदगी भर हम आनंद ही ढूंढ रहे हैं, जो कुछ करते हैं शांति स्वरूप के लिए, आनंद के लिए। बोले क्यों आनंद के लिए? बोले भगवान स्वयं आनंद स्वरूप है। उनका रस वैस रसम जवायाम लब्धानंद भवती। भगवान स्वयं पूर्ण आनंद है, इसलिए हर समय हम आनंद ढूंढते हैं। लेकिन देखो, हम तो आनंद ढूंढते हैं लेकिन ये आनंद हमें नहीं मिल रहा है। बोले क्यों नहीं मिल रहा है, कारण क्या है? बोले जहाँ आनंद है हम वहां नहीं ढूंढ करके ना, हम गलत जगह पर आनंद ढूंढ रहे हैं। जैसे तुम्हारी कोई सामान यहाँ पर खो गया, लेकिन खोया तो यहाँ पर, अगर हम वहां पर अगर ढूंढो मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए हमारी जो गलती, क्या गलती है? हम भगवान की सबके सब भूल चुके हैं, ठाकुर जी को भूल गए। इसलिए उनकी बहिरंगा शक्ति माया ने ये संसार में डाल दिया। अगर तुम आनंद पाना चाहते हो, क्या करो? भगवान की शरण में जाओ, ठाकुर जी की शरण में जाओ, तभी तुम्हें पूर्ण आनंद मिलेगा। इसलिए बल्ले से सच्चिदानंद रूपाय। अगर भगवान की भजन करोगे ना, ये तीन आनंद, बोले इसको साथ में बोले ताप त्रय विनाशाय। जगत में जन्म लेने पर सबको ये तीन तरह का कष्ट सबको भोगना पड़ता है। बोले क्या तीन तरह का कष्ट है? बोले एक कष्ट है मानसिक कष्ट। देखना संसार में सबका मानसिक कष्ट है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई पैसा से दुखी, कोई पड़ोसों से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई शरीर से, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत होता। संसार में सब दुखी, कोई नहीं बोल सकता है ये दुख हमें नहीं है। और ये सब बीमारी का ना कोई दवा है, लेकिन जो मन की जो बीमारी है ना, उसका कोई दवा नहीं, उसकी कोई दवा नहीं। इसलिए कहते ये जो एक दुख है जो आध्यात्मिक है, ये मानसिक। दूसरी दुख है जो देवताओं को द्वारा दी जाती है, कभी बातास आंधी तूफान भूचाल आ गया, कभी बहुत ज्यादा धूप पड़ा, ज्यादा ठंडा पड़ गया, कभी ये देवताओं के द्वारा दिया हुआ दुख है। तीसरा जो दुख है, एक जीव से दूसरे जीव को जो दुख कष्ट पाते हैं, कहते अगर हम ठाकुर जी की शरण में जाएंगे तो कहते ये सारी दुख तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। इसलिए सर्वप्रथम उन्होंने श्री जुगल सरकार के उन्होंने प्रणाम की।
बोले श्री जुगल सरकार की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे। जब श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को ये कथा सुनाए, भागवत कथा समाप्त होने पर वैकुंठ से रथ आया और श्री परीक्षित महाराज बड़े सुंदर एक गोपी स्वरूप धारण करते हुए रथ में बैठे और ये भूर भूव मोह जन तप सत्यलोक को पार करते हुए सीधा गोलक वृंदावन। अभी ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य लगा, बोले परीक्षित तो कुछ किया ही नहीं, केवल कथा ही सुने और कथा सुनते सुनते सीधा बैठे। तब उन्होंने एक तराजू लाया, तराजू की एक तरफ में ये जगत का जितने पुण्य है सारे पुण्य को एक तरफ में रख दिया, तीर्थाटन, स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना, अन्न छत्र खोलना, उन्होंने सारे पुण्य को एक तरफ में रख दिए और तराजू के दूसरे तरफ में ये भागवत कथा की जो महिमा को उन्होंने तराजू के दूसरे तरफ में रखा। लेकिन देखा जिस तरफ में ये भागवत कथा की महिमा को रखा वो तो पत्थर के पत्थर जैसे जमा रहा, और जिस तरफ में ये जगत का जितने सत्कर्म पुण्य को रखा था वो सबके सब हल्का होकर के ऊपर उठ गया। फिर ब्रह्मा जी को पता चला, भैया ये भागवत कथा जैसे पुण्य जगत में कुछ हो ही नहीं सकता है, इसको साथ में कोई भी पुण्य कर्म को तुम बराबर नहीं कर सकते हो, ये भागवत कथा की इतनी महिमा। तो एक समय श्री नारद जी हैं, एक दिन उन्होंने समस्त तीर्थ भ्रमण करते करते श्री नारद जी एक दिन सोचे, ये जो भारत भूमि है ये पुण्य भूमि है, चलो हम श्री भारत भूमि में चलते हैं। लेकिन उन्होंने भारत में आकर के देखा सब जगह में कली अपना प्रभाव को विस्तार करके बैठा हुआ, कली किसी को नहीं छोड़ा, घर को नहीं छोड़ा, मंदिर को नहीं छोड़ा, तीर्थ को नहीं छोड़ा, जहां देखे कली कली सब जगह में बैठा हुआ। उसने सोचा वृंदावन धाम भगवान का धाम है, चलो श्री वृंदावन धाम चलते हैं। जब श्री जमुना किनारा में आए एक अद्भुत आश्चर्य चीज देखा, क्या देखा, एक सुंदर युवती बैठी हुई, उसकी दो बगल में एकदम दो बूढ़े लेट हुए हैं जिसकी बाल सफेद हो गए, सारे चमड़ी ढीली पड़ गई, और देखा कुछ सखियां वो जो बीच में बैठी हुई उनको सेवा कर रही है। जब श्री नारद जी की आश्चर्य चीज को देखा, पहले तो सोच रहा था शायद कोई यहाँ पर कोई सत्संग होता होगा, लेकिन वहां पर देखा जाकर रोना धोना। फिर नारद जी वहां से भागे, इतने में वो जो बीच में एक सुंदरी बैठी हुई थी, बोले नारद जी बड़े भाग्य से कहीं जीवन में ये सत्पुरुषों का दर्शन होता है, बड़े भाग्य से भक्तों का दर्शन जीवन में मिलता है, आप तो कृपा करके आए, फिर कहाँ जा रहे हो, थोड़ी सी रुक जाओ। इतने में श्री नारद जी रुक गए, बोले आप कौन हो, बोले आप मेरे को क्या पहचानते नहीं, बोले नहीं लगता है आपको तो हमने पहले पहले देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा है। बोले नारद जी मेरी नाम भक्ति है और ये जो दो बूढ़े है ना ये मेरे दो संतान है, लेकिन जगत का ये नियम है जो माँ होती है बूढ़ी और बच्चे होते हैं जवान, लेकिन मेरी दुर्भाग्य को तो देखो तो सही, माँ तो युवती बनी हुई और दोनों बच्चे बूढ़े हो गए। बोले कैसे हो गए, बोले उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि करना टके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरे जिन्नता मुगता। वो कहती हैं उत्पन्ना द्रविड़े साहम, मतलब मेरी द्रविड़े देश में मेरी जन्म हुई, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि कर्नाटक गता, कर्नाटक में जाकर बड़ी हुई, क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र में तो मेरे को इज्जत मिली लेकिन जब मैं गुजरात में आई ना एकदम बुरी हो गई। भले इसका मतलब क्या है, भले जो गुजरात देश ये पूरा नास्तिक देश था, यहाँ पर कोई भी भगवान की भक्ति नहीं करते थे, किसी घर में तुलसी की पूजा नहीं,
किसी घर में ठाकुर जी की सेवा नहीं, और कोई साधु अगर आ जाए ना छोटी तिलकधारी कंठीधारी, जब तक उनको देह से खदड़ नहीं दे तब तक उनको चैन नहीं पड़ता था। मतलब इतने दुष्ट राज्य था, लेकिन अभी देखना गुजरात सबसे पुण्य भूमि श्री गुजरात है। अब घर घर में जाओगे भगवान की सेवा पूजा भक्ति, बोले ऐसे कैसे हो गया, बोले गुजरात में बड़े बड़े साधु लोग वहां पर जन्म ग्रहण किए, वल्लभाचार्य तुकाराम हैं, कहते श्री नरसिंह भगत, बड़े बड़े साधु लोग जन्म हुए। और जहां पर एक साधु पुरुष जन्म लेते हैं कहते उसको 21 पीढ़ी उधार हो जाते हैं, पूर्वज धन्य हो जाते हैं, कहते ये पृथ्वी धन्य हो जाती है। कहते वहां पर बड़े बड़े साधु लोग जन्म हुए, उनकी चरण स्पर्श से वो पृथ्वी धन्य हो गई वो पृथ्वी। लेकिन कहती है जब मैं वृंदावन में आई हूँ मैं तो हो गई युवती, लेकिन ये जो मेरे दो तो बच्चे थे ज्ञान और वैराग्य ये दोनों हो गए बूढ़े। बोले ऐसे क्यों, ये भक्ति वहां पर जवान क्यों हो गई और इनके बच्चे बूढ़े क्यों हो गए। बोले कारण है जो वृंदावन धाम है ना वो कोई साधारण भूमि नहीं, ये वृंदावन नहीं, कभी राधा रानी के हृदय है, हैं? ये राधा रानी अपना हृदय को ये वृंदावन धाम रूप में प्रकाश करके रखी है। और वृंदावन में कहते ना वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई, डाल डाल और पत्ते पत्ते में श्री राधे राधे। इसलिए रसखान कहते हैं बोले किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ केशव की कली कुंज कोटी कोटि काशी है, बोले गोपिनी के द्वार पे है बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है। कहते स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे किया, जानते नहीं किया हम श्री वृंदावन वासी। इसलिए वहाँ के वृक्ष सब कल्प वृक्ष है, वहाँ का भूमि बोले भूमि चिंतामणि, वहाँ पानी नहीं अमृत। अगर कोई वृंदावन में चलता है ना लगता है जैसे बड़े सुंदर कोई नृत्य कर रहे हैं, हैं? अगर कोई वहाँ बोलते हैं लगता है जैसे बड़े सुंदर कोई भजन गा रहे हैं, हैं? इसलिए वृंदावन धाम अद्भुत दिव्य धाम श्री राधा जी के हृदय है। इसलिए कहते मैं वृंदावन में आकर के मैं तो हो गई युवती, लेकिन मेरे जो दो बच्चे थे ज्ञान और वैराग्य ये हो गए बूढ़े। बोले बूढ़े क्यों हो गए, बोले वृंदावन धाम में कोई ज्ञान वैराग्य कोई आदर नहीं देते, वहां तो रसभूमि है वो प्रेम भूमि है। इसलिए ज्ञान, इसलिए एक स्थान है उसका नाम ज्ञान बुधरी, मतलब उद्धव जी तक ज्ञान लेकर के आए लेकिन गोपियां जिनको गंगा जमुना में बहा दी वहां पर, इसलिए वहां पर ज्ञान वैराग्य आकर के वहां बूढ़े हो गए। बोले नारद जी तुम कृपा करो मेरे बच्चे जैसे जवान हो जाए। बोले कोई चिंता मत करो तुम्हारी बच्चे को हम जवान दिला देंगे। बोले अगर जवान दिला दिया ना मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ तुम्हारी हृदय छोड़ करके और कहीं मैं नहीं जाऊंगा। तब श्री नारद जी ज्ञान वैराग्य के कान में जितने वेद पुराण उपनिषद को एक एक करके बोले लेकिन उनको चेतनता नहीं रही। गीता सुनाए तो थोड़ी सी तो चेतनता आई, फिर धड़ान करके वहीं पर गिर गई। फिर श्री नारद जी सब जगह में जा जा करके सबको प्रश्न किए लेकिन इनका प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। लेकिन जब श्री बद्री का आश्रम पर पहुंचे चतुसन से मिले, बोले क्यों नारद जी क्या तुम भूल गए हो, बोले किस चीज की, बोले जिस समय श्री व्यास देव सारे ग्रंथों को रचना कर रहे थे उनको शांति नहीं मिली लेकिन तुमने ही उनको बताए थे ये भागवत ग्रंथ को रचना करो इसी से तुम्हें शांति मिलेगी, इसलिए इनको श्री भागवत कथा सुनाओ, हैं? बोले आप ही कृपा करके ये कथा सुनाओ। बोले कहाँ सुनाएंगे, बोले ये कथा को श्री हरिद्वार में आनंद नाम का जो घाट वहीं पर कथा सुनाओ। अभी प्रश्न है बहुत सारी दुनिया थी लेकिन ये कथा को उन्होंने हरिद्वार में क्यों सुनाए, हरिद्वार कोई कोई गए हो, कौन कौन हरिद्वार गए, सबके सब गए हो हरिद्वार, प्रश्न है उन्होंने ये कथा को हरिद्वार में क्यों सुनाए, और भी तो कहीं सुना सकते थे। बल्कि जो हरिद्वार है ना ये कहते ये हरि का द्वार है,
केवल हरि द्वार नहीं, यह हर का द्वार और यह हरि का द्वार है। अगर कोई बद्रीनाथ जाओगे ना उधर होते हुए जाना पड़ेगा, अगर कोई केदारनाथ जाओगे तो उधर से होते हुए जाना पड़ेगा। और ये हरिद्वार ऐसे ही स्थान है, एक तरफ में उत्तरांचल और एक तरफ में उत्तर प्रदेश, वो बीच में है। जो उत्तरांचल है कभी ये देवभूमि है, वहां पर सब बड़े बड़े ऋषि मुनियों का भजन स्थल है। और ये जो उत्तर प्रदेश कभी यहाँ पर सारे घर गृहस्थ लोग बैठते हैं। बोले कथा ऐसे एक स्थान पर हो जिसका आनंद ये गृहस्थ लोग भी ले सके और जिसका आनंद साधु संत भी ले सके। जैसे दहली में दिया जलाओ वो घर को भी प्रकाश करता है और ये बाहर को भी प्रकाश करता है, ये दोनों को ही प्रकाश करती है। कभी ये कथा सुनने के लिए सबसे पहले कौन आए, वैष्णव लोग कथा सुनने के लिए आए। ये जो भागवत ग्रंथ ये वैष्णव का ही संपत्ति है। केवल वैष्णव नहीं, स्वर्ग से देवता लोग भी कथा सुनने के लिए आए। और जितने बड़े बड़े ऋषि थे, व्यास, पराशर, वशिष्ठ, ये सारे ऋषि मुनि भी कथा सुनने के लिए आए। और जितने पुण्य नदी, गंगा, जमुना, सरस्वती, ये भी कथा सुनने के लिए आए। और जो सुनने नहीं आए, वशिष्ठ जी घर घर में गए, बोले तुम्हें सुने हो चतुसन कथा कर रहे हैं, बड़े भाग्य से ये कथा सुनने को मिलता है, चलो सबके सब कथा सुनने चलते हैं। इसका मतलब है ये कथा सुनने के लिए विश्व ब्रह्मांड कथा सुनने के लिए आए, सारा दुनिया कथा सुनने के लिए आए। और जब कथा प्रारंभ होने जा रही थी, स्वर्ग से देवता लोग भी पुष्पों की बौछार की है और वे लोग में भागवत कथा की जयकार लगाए। बोले श्रीमद भागवत कथा मृता की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ देखो ये भागवत कथा की कितना महत्व है। अगर कहीं अगर ये भागवत कथा हो ना किसी गांव में, किसी शहर में, कहते स्वर्ग से देवता लोग भी खुश हो जाते हैं, कहते अहो भाग्य है और यहाँ पर ये भागवत कथा हो रही है, सारे देवता लोग भी प्रसन्न होकर के स्वर्ग से पुष्पों की बौछार करते हैं। और जहाँ पर ये कथा होती है, जहाँ पर ये भागवत कथा होती है, कहते सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ हैं, सारे तीर्थ आकर के वहीं पर बैठ जाते हैं। कहाँ पर, जहाँ पर ये भागवत कथा होती है। केवल वो बैठ जाते, मतलब क्या है, जैसे आप लोग कथा सुन रहे हैं ना, समझो बैठ बैठ करके आप गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदे, सिंधु, कावेरी, अयोध्या, मथुरा, माया, सब में यहीं पर स्नान कर लिया, सबके सब यहीं पर आपने स्नान कर लिया है, हैं? आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं। आप लोग हरिद्वार गए ना, हरि की पौड़ी में स्नान किए होंगे, देखना वहां पर लिखा हुआ है सावधान, लिखा हुआ ना, अंदर में ज्यादा गहरा पानी है, अगर थोड़ी सी ज्यादा अंदर में जाओगे ना डूबोगे तो सीधा मर जाओगे, सीधा किसका बहा करके ले जाएगा। लेकिन आपने कभी सुना है कथा रूपी गंगा में डूबने पर कोई मरता है? गंगा में ज्यादा लहर है, इसमें तेज है, अगर उसमें डूबोगे तो बहा करके ले जाएगा। लेकिन कथा रूपी गंगा में कहते भैया इसमें जितने हो सके उसके जितने डुबकी लगाओगे ना उतना तैर जाओगे, उतना तो तैर जाओगे। और जैसे गंगा जमुना में स्नान करोगे, लेकिन केवल थोड़ी सी पाप नष्ट होगा और कुछ नहीं, फिर घर में आकर दो बार पाप करना शुरू करोगे। लेकिन आप देखना जब आप 7 दिन तक कथा सुनोगे ना, 7 दिन तक कथा सुनोगे ना, देखना तुम्हारी हृदय की जितने पाप करने का जो वृत्ति सबके सब नष्ट हो जाएगी। फिर देखोगे तुम्हारी गले में कंठी, तिलक, माला। जब आए थे कथा में हम एक बन करके आए थे, लेकिन जब कथा से वापस जाओगे ना, जब कथा से आप वापस जाओगे ना, अब ऐसे बन करके नहीं जाओगे, जानते हो कैसे बन करके जाओगे, मीरा बन, सबके सब मीरा बन करके जाओगे, सब गोपी बन करके जाओगे। देखोगे जब कथा से जाओगे, आए थे एक रूप में और जाओगे दूसरे रूप में, स्वरूप तो ऐसे रहेगा लेकिन हृदय से तुम
बदल कर उन्हें यहाँ से जाओगे। ये कथा की इतने महत्व है। इसलिए जब श्री चतुसन ने कथा की प्रभाव से गोलोक वृंदावन से श्री जुगल सरकार प्रकट हो गए, श्री नारद जी प्रकट हुए, श्री उद्धव जी प्रकट हुए, वहां पर श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए, सबके सब कीर्तन कर रहे थे सबके सब, और सुखदेव गोस्वामी बड़े सुंदर नृत्य कर रहे थे, और श्री उद्धव श्री अर्जुन वहां पर पखवाज बजा रहे थे, नारद जी बिना बजा रहे थे, और सबके सब वहां पर हरि कीर्तन कर रहे थे। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 समाप्त हुई। देखो कितना आश्चर्य घटना हुई, वहां पर जितने लोग बैठे हुए थे ना कथा सुनने के लिए, सभी के लिए गोलोक वृंदावन से रथ आया, सबके सब रथ में बैठी करके सबके सब भगवान का धाम को चले गए। देखो आप भी कथा सुन रहे हो, जब ये कथा समाप्त हो जाएगी आप सबके लिए एक एक रथ आएगा ले जाने के लिए। आप बताओ कौन जाना चाहोगे गोलोक वैकुंठ? हाथ उठाए, कोई नहीं जाएगा। आप जाओगे? कोई नहीं जाएगा। मुझे लगता है अगर सचमुच से ये रात आ जाएगी ना, आप लोग एक भी यहाँ बैठते हुए नहीं मिलेंगे, सब भाग जाओगे। बोलोगे अभी बेटा की शादी नहीं हुई, अभी बेटी तो छोटी है, फिर पति को रोटी कौन बना कर खिलाएगा, अभी ये घर कैसे छोड़े, इतना सुंदर बनाएगा, सब भाग जाओगे यहाँ से। इसलिए कोई चिंता मत करो, कोई चिंता की बात नहीं, तब तक ये रथ नहीं आएगी जब तक हमारी आसक्ति खत्म नहीं हो जाती। इसलिए कोई चिंता मत करो, खूब बैठ कर कथा सुनो, ठीक है ना। इसलिए अभी जब सबके सब कहते वहां से जितने कीड़े मकोड़े भी मुक्ति हो गई, ये चीज को देख कर के ना नारद जी को बड़ा आश्चर्य लगा। बोले भागवत कथा में इतने शक्ति, अच्छे खानदान में हमारी जन्म हुआ, ब्राह्मण घर में जन्म हुआ था, दूसरा बार क्या चाहता है, देखने में सुंदर हो। वो इतना सुंदर था, बोले द्वितीय इव भास्कर,
फिर दूसरे सूरज जैसे चमचमाया करता था। उसको बाद में क्या चाहता है, लिखाई पढ़ाई बढ़िया हो और स्रोत स्मारते सुनिश्नात हो। ये जितने सारे स्मारत है ये सारे कर्म में ये निपुण था। फिर क्या चाहता है, घर में खूब माल हो, घर में पैसा खूब हो, इतना पैसा जो सोच नहीं सकते हो। उसके बाद में क्या चाहते हैं, किसी सुंदरी लड़की से शादी हो जाए, उसकी पत्नी भी देखने में बड़ी सुंदरी थी। मतलब इसी जगत में एक व्यक्ति को पास में जो होनी चाहिए इसको पास में पूर्ण रूप में था, लेकिन तभी वो सुखी नहीं था। वो तभी इसी जगत में सुखी नहीं था। जानते हो क्यों नहीं था, कुछ कारण है। पहला नंबर है वो व्यक्ति था कंजूसी। एक पैसा तो था उसको पास में, लेकिन कभी भी एक पैसा किसी सत्कर्म में कभी नहीं लगाया करता था। देखो जो पैसा है ना, कभी ये लक्ष्मी है। पैसा कौन है, लक्ष्मी है। ये लक्ष्मी किसकी है, नारायण की है। लक्ष्मी नारायण की है। अगर ये लक्ष्मी अगर नारायण की सेवा में नहीं लगेगी ना भैया, आपको चैन से रहने नहीं देगी, वो बेचैन से कर देगी। इसलिए नियम है, हम जो कुछ कमाते हैं ना, कुछ अंश उसको भगवत सेवा में, भक्त सेवा में, अच्छे काम में लगानी चाहिए, तभी वो घर में शांति सुख प्रदान करती है। इसलिए बड़ा कंजूसी व्यक्ति, एक पैसा हाथ से कभी निकलती नहीं इसकी। इसलिए पैसा तो है लेकिन घर में शांति सुख घर में नहीं। घर में देखो जगत में सबसे जो अनमोल वस्तु है ना, शांति है। शांति है, भले ही तुम्हारे पास में अथा पैसा लेकिन शांति नहीं। भले ही तुम्हारी घर बहुत दुकान मकान है लेकिन अगर शांति नहीं, तो भले ही तुम्हारा बेटा बेटी नाती पोती बहुत सुंदर है लेकिन शांति नहीं, तो बेकार सबके सब। लेकिन अगर दो रोटी में अगर शांति मिलती है ना, यही जीवन में सब कुछ है। अगर दो रोटी में शांति मिल जाए, समझे जीवन का सब कुछ है। लेकिन सारा दुनिया तेरे पास में लेकिन शांति नहीं, इसलिए इसकी घर में शांति नहीं है। क्यों, वो सोचता है शायद मेरे घर में बेटा हो जाएगा तो शांति हो जाएगी, बेटा हो जाएगा तो शांति हो जाएगी। इसलिए उसने किया कि जब घर में कोई गैया लाए बांध हो जाता है, घर में संतान नहीं होती, घर में कोई पेड़ का पौधा लगाए उसमें फल नहीं आता है, हैं? इसलिए कोई भी पूर्व जो कुछ वस्तु देता है लगता है जैसे कोई गर्मी चीज दे रहा है। एक दिन उसने दुखी होकर के सोचा ऐसे जीवन में रहना बेकार है, ये तो आत्महत्या कर देनी चाहिए। एक दिन वो जंगल में आत्महत्या करने के लिए गया। जब भगवान किसके ऊपर कृपा करते हैं ना, साधु नहीं तो ब्राह्मण रूप में आते हैं। मानो भगवान ने इसको ऊपर में कृपा करने के लिए एक साधु बन करके ठाकुर जी आए। बोले बेटा तो दुखी क्यों, बोले घर में तो सारे सुख है लेकिन घर में कोई संतान नहीं। बोले तुमने सगर महाराज का नाम सुने हो, बोले हाँ। बोले कितना बेटे थे, बोले 10,000। बोले संसार में शांति मिला उसको। बोले चित्रगुप्त महाराज का नाम सुने, बोले हाँ। बोले उनकी कितने पत्नी थी, बोले 1 करोड़। कितने थी, 1 करोड़ उसने शादी की, एक बाद में एक एक घर में संतान हो जाए। बोले उनको शांति मिली। देखो ध्यान देकर सुनो, कभी कभी हम सोचते हैं ना शायद संतान घर में होने पर शांति मिलेगी, हम तो सारा दुनिया में मैं जाता हूँ। अक्सर करके जिनके घर में संतान है ना, वो वही लोग आकर के हमें कहते हैं, बोले पिता, बोले बाबा हमारा बेटा बात नहीं सुनता है, हमारा बेटा बात नहीं सुनता। पहले तो नहीं सुनता था, जब से घर में शादी हुई ना पूरा ही नहीं सुनता है। पता नहीं एक रात में क्या मंत्र दी पत्नी, दूसरे दिन इसको बुद्धि खराब। इसलिए अक्सर करेगा ना, देखो संतान नहीं रहने पर है, संतान नहीं रहने पर जो दुख है, संतान होने पर अगर बात नहीं सुनता है ना, उसमें डबल दुख है, डबल दुख है। अगर भगवान अगर संतान नहीं दिए, दुखी मत हो, दुखी होने का जरूरत नहीं। अब भगवान को गोपाल जी को अपना बेटा माना, कृष्ण को अपना बेटा माना। देखो एक संत कह रहे थे, कोई एक बूढ़ी माँ थी, उसने सारा जीवन गोपाल जी की मैंने सेवा की, लेकिन जब उसने बूढ़ी हो गई, अभी इसका सेवा कौन करेगा,
बोले कृष्ण स्वयं उनकी सेवा करते थे, उनके लिए पानी लाना, खाना बनाना, घर साफ करना, कृष्ण स्वयं सब कुछ उनके लिए करते थे। बोले क्यों? बोले उसने सारा जीवन ठाकुर जी की सेवा की, गोपाल जी की सेवा की, वृद्धावस्था में कौन उनकी सेवा कौन करेगा, ठाकुर स्वयं सेवा करते थे। इसलिए ये चीज को विश्वास रखो। हैं, कभी कभी हम सोचते हैं ना, जब हम बूढ़ा बूढ़ी हो जाएंगे हमारी सेवा कौन करेगा। अब ऐसे क्यों सोच रहे हो? अब ये सोचो, चलते फिरते ब्रह्म का भजन करते करते चले जाए, जैसे हमें कभी किसी का सेवा लेना नहीं पड़ेगा। ये सोचो, ये मत समझो बेटा होने पर शांति मिलेगी, नहीं, भगवान की भक्ति से शांति मिलती है। इसलिए ये चीज को साथ में सब कुछ करो, देखो क्या होता है। उन्होंने बहुत समझाए, बोले बेटा अगर भगवान नहीं तो ठाकुर का बेटा मान लो, भगवान की भजन करो। बोले ये भजन संतों का जीवन तो सुखा जीवन है, घर में बीवी बच्चे हो, बीवी कितनी मीठी मीठी बोली बोलती है, बच्चे तोतली तोतली बोली से पापा पापा मामा मामा बोलते हैं, कितने आनंद है। ये तो सुखा जीवन है, माला दिन भर लेकर के हरे कृष्ण करते रहो, जीवन है। तब संत ने कहा देखो मैं तेरे ललाट को देख करके देख रहा हूँ, बोले एक जीवन कही क्यों, बोले तेरे सात जन्म तक भी बच्चा होने वाले नहीं। बोले भगवान एक जीवन में बच्चा नहीं, इतना दुखी, और ये कह रहे सात जन्म तक बच्चे नहीं। जब देखे आप, जब ये पता सकता बता सकते हो, क्या बता सकते हो, मेरे सात जन्म तक बच्चे नहीं, पर आप मेरे को बच्चा दे भी सकते हो, क्योंकि उनको पता है जो ना करे लकड़ी और सो करे फकरी। लकड़ी मतलब होता है भाग्य, फकरी मतलब होता है संत। अगर सचमुच से कोई साधु हो, वो भजन करने वाले हो, अगर वो कोई बात बोल देता है ना, ठाकुर भी उसको भाग्य में जो लिखा हुआ उसको भी मिटा देना पड़ता है, वो ठाकुर को देना पड़ता है। बोले क्यों? उनकी संत ने ये बात बताई, उनको चरण पकड़ कर रोने लग गए, मेरे को एक संतान दो। तो उन्होंने एक वृक्ष से फल लेकर उनको दिया, बोले इसको लो, अपना पत्नी को खिलाना, बोलना गीता भागवत रामायण पढ़े, झूठ नहीं बोले, लड़ाई नहीं करे, और भगवान की भक्ति करे, बड़ी सुंदर संतान तुम्हारी जन्म होगी। देखो जितने माता है, ध्यान देकर सुनो, एक होता है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार मतलब जानते हो, जब गर्भ में बच्चे हो कभी भी आप गंदी उल्टा पुल्टा फिल्म मत देखा करो, नहीं तो बच्चा है ना अंदर से डाकू बन कर आएगा। वो बंदूक पहले उसको छोटे बोतल में पानी पिलाओगे, बड़ा होकर बड़ा फिर बड़ा बोतल पकड़ेगा, हैं? इसलिए कभी भी गर्भ में बच्चे रहते समय कभी भी उल्टा पुल्टा पिक्चर मत देखा करो। भगवान की गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भगवान की भजन करो, देखना वो बच्चा इतने संस्कारी बनेगा और इतना बड़ा भक्त बनकर आएगा, सोच नहीं सकते हो, सोच नहीं सकते हो। इसलिए पहले पहले आप बच्चों को देखो, सवेरे उठ करके क्या करते हैं, पिता माता के चरण छूते थे सबसे पहले। इसलिए भगवान राम कहते प्रात उठई रघुनाथा मात पीत गुरु नमई माता। अभी कोई सवेरे उठ करके आपका बच्चों के प्यार छूते हैं, बताओ कोई प्यार छूते? लेकिन पहले पहले क्या करते थे, सभी पिता माता की चरण छूते थे, आधे से पालना करते थे, श्रवण कुमार की कथा सुनते थे, कैसे पिता माता की श्रवण कुमार ने सेवा की है। कब ये बनेंगे? जब आप उनको अच्छे संस्कार दोगे। इसलिए गर्भ में बच्चे रहते समय कभी भी गंदी गंदी उल्टा पुल्टा फिल्म मत देखा करो। अब रामायण पढ़े हो? कौन रामायण सुने हो? सुने हो, देखना अब देखे होंगे टीवी में, जब माता सीता गर्भवती थी, भगवान राम ने सारे साधुओं को बुलाया थे, सत्संग करवाया, और सीता देवी के लिए एक आसन रखा। भगवान राम कह रहे हैं, बोले सीते जानते हो आज इतने साधु संतों को क्यों बुलाया? बोले क्यों? बोले तू गर्भवती हो, अगर इसी समय तू सत्संग सुनोगे संतों से, कि जो बच्चा जन्म होगा बड़ा ज्ञानी होकर के जन्म लेगा। अब लोग टीवी में लव कुछ देखे ना, कितने छोटे बच्चे राम दरबार में राम कथा सुना रहे हैं और कितने बलवान बन करके आए। अगर तुम्हारी गर्भ में बच्चा है, गीता रामायण भागवत पढ़ोगे, देखना वो बच्चा बड़ा संस्कारी बनेगा, ठीक है ना। इसलिए वो संत कहते हैं देखो ये फल तो दे रहा हूँ तेरे को, लेकिन गर्भ में बच्चा रहते समय उल्टा पुल्टा काम मत करना, गीता भागवत रामायण पढ़ना,
बड़ा संस्कारी होगा, लेकिन वो तो धुंधली ना, ये धुंधली है। धुंधली मतलब अज्ञान, ये धुंधलापन है। वो संत का आशीर्वाद को कहाँ ग्रहण करता है, ये कहाँ ग्रहण करता है। वो फल लेकर के उसकी सहेली को तो सारे दुख की बात बताने लग गई। सहेली बोली, चिंता क्यों करते हो, तेरे घर में बहुत पैसा है, तो मेरे पति को कुछ पैसा दे दे और ये फल को गैया को खिला दे परीक्षा करने के लिए, और तू पेट में कपड़ा बांध करके झूठ मूठ का सोते रहो। मैं गर्भवती हूँ, मेरे घर में बच्चा होगा ना, ये बच्चे में तेरे घर में दे जाऊंगा। बात उसने ऐसे ही करवा दी। जब करवा दी, लेकिन उसके घर में जो गैया जो बच्चा जन्म नहीं दिया था कभी, लेकिन इस संत का फल है, वो कभी बर्बाद होगा नहीं। उसका गर्भ में एक सुंदर बालक जन्म लिया गैया के गर्भ से, सरासरी तो राजकुमार जैसे, लेकिन काम केवल गैया जैसे है, बड़ा सुंदर, दुनिया देखने के लिए आए। भगवान जब देते नहीं, देते नहीं, जब देते हैं कैसे देते हैं, छप्पर फाड़ करके देते हैं। देखो एक छोटी स्टोरी सुन लो, कैसे ठाकुर जी छप्पर फाड़ करके देते हैं। बोले एक समय दो पति पत्नी बड़ी भक्ति करने वाले, एक समय उसने गया था शौच क्रिया में, शौच क्रिया के बाद में जब उसने हाथ मिट्टी से साफ करने के लिए, जब उसने मिट्टी हटाया उठाया, देखा वहां पर एक ढक्कन है। वो ढक्कन खोला तो देखा बड़ा सुंदर एक है, एक कलसी है और उसके अंदर में हीरे जवाहरात से भरा पड़ा हुआ। बोले राम राम, सवेरे सवेरे माया के दर्शन हो गए। और उसने आकर के ये बात पत्नी को बोले, उसको उसी समय उसको घर के पीछे कुछ डाकू लोग बैठे हुए थे। जब उन्होंने ये बात को सुने, बोले बड़ा बेवकूफ है, हीरे जवाहरात की कलसी को छोड़ करके आ गया, अच्छा हो गया हमने ये बात सुन ली, चलो हम उसको उठा करके ले आते हैं। लेकिन वो तो संत थे ना, इसलिए वो देख रहे थे हीरे जवाहरात से भरा पड़ा हुआ, लेकिन ये तो दुष्ट थे। लेकिन जब उसने ढक्कन को उठाया, देखा उसको अंदर में तत्या जहरीले सर्प, उसको अंदर में हाँ बड़े भयंकर सर्प, उसको अंदर बिच्छू। बोले ये तो बड़ा बदमाशी है, ये तो हमें मरवाने के लिए ये बात बताया, इसको अंदर में बिच्छू सर्प है। बोले चलो ये कलसी को लेकर के ना उसको घर में ही फेंक ले। वो खुद मरे, वो कलसी को उठा करके छत के ऊपर में गए, छत को उन्होंने अच्छे तरह से काटे, काट करके उन्होंने ऊपर से वो कलसी को नीचे फेंका। लेकिन उसमें क्या था बताओ तो, उसमें क्या था, हीरे जवाहरात। संत है ना, इसलिए वो देख रहे थे, लेकिन वो दुष्ट है। जब उन्होंने ऊपर से फेंका, वो कलसी टूट गया और हीरे जवाहरातों से धार एकदम भर गया। बोले भैया भगवान जब देते नहीं, देते नहीं, जब देते हैं छप्पर फाड़ करके देते हैं। बोले जब भगवत इच्छा से आ गया, चलो रोज भंडारा करो और ठाकुर को खूब भोग लगाओ और सब भक्तों को खिलाओ, रोज घर में भंडारा शुरू कर दिया। इसलिए सारा दुनिया देखने के लिए आए, देख देख दंग रहे। अभी दोनों बच्चे बड़े हुए, जब बड़े हुए, बड़े होने पर और एक संस्कार देखो, पहला जो संस्कार है ध्यान देकर सुनो, पहला संस्कार है गर्भाधान। गर्भाधान मतलब है जिस दिन पत्नी अपना गर्भ में बच्चे धारण करते हैं, वो दिन अच्छा दिन होनी चाहिए। अगर अच्छा दिन होगा ना, और एक बात बताए, जो शाम को चार चीज नहीं करते हैं, कितने चीज नहीं करनी चाहिए, शाम को चार चीज नहीं करनी चाहिए। बोले पहला चीज किया, बोले पढ़ाई लिखाई नहीं करनी चाहिए, दूसरे चीज सोनी नहीं चाहिए, तीसरे चीज भोजन नहीं करनी चाहिए, जो चौथे चीज है पत्नी को साथ में नहीं मिलनी चाहिए, हम आगे सुनेंगे। इसलिए जो दीति एक दिन सीसा के सामने खड़ी होकर के सुंदर उसने श्रृंगार की, और इतने सुंदर श्रृंगार की, उसने अपना रूप को देख करके सीसा में एकदम काम में मुग्ध हो गई और अपना पति कश्यप जी को पास में गए, पति से मिलने चाहा। कश्यप ने कहा देखो दीति, ये शाम का समय है, शंकर भूत पिशाचों को लेकर के घूमते रहते हैं, किसी समय मत मिला करो। लेकिन वो इतने काम में मुग्ध हो गए थे, जोर जबरदस्ती मिली। उसके बाद में ऋषि ने कहा तुमने अच्छा काम नहीं किया, तेरे पेट में दैत्य जन्म लेंगे, राक्षस जन्म लेंगे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जन्म लेंगे,
इसलिए नियम है शाम का समय में ये काम नहीं करनी, चार काम नहीं करनी चाहिए। हाँ, जो तीसरी जो संस्कार है ये नाम कर्म संस्कार। नाम कर्म संस्कार का मतलब होता है ऐसे नहीं तुम्हारी मन में जो आए बच्चा का नाम टुल्लू बुल्लू टिंकी फिंकी जो नाम रख लो, नहीं नहीं। ज्योतिष के पास में जाओ, समय को निकालो, निकाल करके एक उसमें नक्षत्र से एक अक्षर निकलेगा, वो अक्षर को पहले रखो भगवान, नहीं तो किसी भक्तों का नाम रखो। हम आगे इसकी कथा सुनेंगे। अजामिल कैसे केवल अपना बेटा नारायण का नाम लेते रहे तो मुक्ति हो गई, केवल बेटा का नाम लेकर। इसलिए नाम कर्म संस्कार बड़े जरूरत है। देखो बोले क्यों हम ऐसे कैसे नाम रख ले, देखो आप लोग सब हिंदू लोग हैं, देखना जब शादी से पहले जन्म पत्री मिलाते हैं, मिलाते कि नहीं जन्म पत्री मिलाते हैं ना, बोले क्यों ये जन्म पत्री क्यों मिलाते हैं, वैसे क्यों शादी नहीं कर देते हैं, बोले नहीं उसका जन्म पत्री मिला करके अगर मिलता जुलता है ना फिर घर में शांति सुख पति पत्नी बड़े खुश में जिंदगी भर आनंद में रहते थे। इसलिए पहले देखो जितने बड़े बूढ़ों को बचाओ, कभी तुमने डाइवोर्स नाम सुने हो, डाइवोर्स नाम सुने हो, अभी भारत में 50% डाइवोर्स, बोले क्यों उन लोगों ने उल्टा पुल्टा बच्चों का नाम जैसे तैसे नाम रख रहे हैं, हैं? बिना मिलाए हुए शादी लव मैरिज कर लेते हैं। इसलिए जगत में कहते ना कि जगत का प्रेम कहाँ शुरू होता है, कहते आई लव यू पहले शुरू होता है, सेकेंड आई लीव यू और लास्ट में आई किल यू, लास्ट में जाकर यहीं पर जाकर खत्म होती है। इसलिए इसलिए ये सब के सब एक साइंस ही है, ऋषि मुनियों ने जो विधान दिया ना साइंस। अभी दोनों बच्चों का नाम करने संस्कार करवाएंगे, धुंधुली ने किया कि जोर जबरदस्ती उसने बेटे का बोले मेरा नाम धुंधुली, इसका नाम होगा धुंधुकारी। उसने शास्त्र शास्त्र को बात नहीं सुनी, पंडित जोर जबरदस्ती उसने धुंधुकारी रख दिया और दूसरा बेटा का नाम रख दिया गोकर्ण। जब दोनों बड़े हुए ना, एक संतों की कृपा और एक संतों की धोखा देना, दोनों बच्चे जब बड़े हुए धुंधुकारी तो महाज्ञानी और गोकर्ण तो महाज्ञानी हुए और ये महादुष्ट खाल। शाम होते ही 10-20 शिकायत, तेरे बेटा ने ऐसे किया, तेरा बेटा ने ऐसे किया, तेरे बेटा ने ऐसे किया, वो इतने दुखी हो गया। एक दिन पिताजी को खूब मारी खूब पिटाई की, अभी उसको ज्ञान आया। संत कह रहे थे बोले बेटा बेटे से सुखी नहीं, सुखी हो गए तो प्रभु की भक्ति से सुखी हो गए। अभी संतों की बात याद आ, उसने गोकर्ण के पास में गए, गोकर्ण इतनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बात बताई, बोले पिताजी ये स्वर्ग का इंद्र भी सुखी नहीं, पृथ्वी का चक्रवर्ती भी सुखी नहीं, जगत में कोई सुखी नहीं पिताजी, जगत में केवल एक व्यक्ति सुखी जो प्रभु की भक्ति करते हैं। अगर सुख पाना चाहते हो पिताजी ठाकुर जी की शरण में जाओ, संतों की शरण में जाओ, कथा सुना और ये संसार का जो अज्ञान जो मैं मेरा कर रहे हो ना, ये मैं मेरा को छोड़ो, है छोड़ करके प्रभु की भक्ति करो, प्रभु की भक्ति से ही शांति मिलेगी। उसने चले गए जा करके प्रभु की भजन करते हुए उन्होंने अपना सद्गति को कर लिया, लेकिन घर में पत्नी और बेटे रह गए। एक दिन माँ को खूब पिटाई की, बोले बताओ पिता कहाँ पर पैसा रखे, कहाँ पर पिताजी पैसा रख कर गए, वो भी कुएं में छलांग लगाकर प्राण त्याग गए। अभी घर में अकेला हो गया, उसने छह बेसिया को बुला कर लाया, कोई कपड़ा बोलते कोई स्नो कोई पाउडर कोई गहना। अभी एक दिन राज दरबार में डाकू डाला, बहुत पैसा को लूट करके लाया। फिर पत्नियों ने देखा बेसिया होने सवेरे होते ही सियाइट लग जाएंगे, फिर उन्हें रातारात बुरी तरह से मार करके घर में गाड़ दिया, वो घर में प्रेत रह गया। जब गोकर्ण घर में आया बोले कभी घोड़ा बनकर कभी बिल्ली बनकर कभी हाथी बनकर डरा रहे, बोले तू कौन हो, बोले तेरे में भैया में धुंधुकारी, बोले तेरे नाम पर गया मैं पिंड दी, बोले भैया मैंने इतने पाप की 100 बार भी पिंड दो मेरी मुक्ति नहीं मिली। फिर उन्होंने सूर्य देवता को प्रश्न की, सूर्य देवता को भागवत कथा सुनाओ, ये भागवत कथा से ही मुक्ति मिलेगी। जैसे आप लोग गांव के लोग आए ना, उन्होंने सब लोगों को बुलाया और बुला करके उन्होंने 7 गांठ के बांस काट दिए, 7 दिन में 7 गांठ फट गई और एक सुंदर विष्णु भक्त का रूप धारण करते हुए प्रकट हुए और वैकुंठ से रथ आया। और उसको जब ले जा रहे थे गोकर्ण प्रश्न करता है,
बोले आप कृपा करके ये बताओ, यहाँ पर भी इतने सारे लोग बैठे हुए, आप रथ एक ही क्यों लाए, सबके लिए क्यों रथ नहीं लाए? अब ध्यान देकर सुनो, कथा कैसे सुननी चाहिए। बोले देखो, देखने के लिए तो इतने लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कथा कोई नहीं सुने। बोले ऐसे कैसे कर सकता हूँ, यहाँ तो बैठे 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 कथा कैसे नहीं सुने? बोले कथा सुनने का कुछ नियम होता है, अगर उसी नियम से कथा सुनोगे फिर कथा फल देगी। देखो क्या नियम कहते हैं, बोले विश्वास गुरु वाक्य सो स्वस्मी। पहला जो गुण है भगवत कथा में विश्वास हो, गीता भागवत पुराण में विश्वास हो, कहते भक्ति स्तु है। इसलिए जो भागवत है कहते भगवत प्रणीतम, ये भगवान स्वयं भगवान की मुंह से ये भागवत निकली है। पहला नंबर ये विश्वास है। अगर तुम्हारी कथा में विश्वास नहीं, पता नहीं ये पंडित लोगों ने पेट पालने के लिए सब कहानी मन गणत कहानी बना दी है, अरे किसने इस भूत भूत को देखा है, सो बेकार बात। खैर तेरी जो कथा है ना, ये आपको ये कथा सुनने पर ही फल नहीं देगा। इसलिए पहला नंबर क्या हो, भागवत कथा में पहले तुम्हारी पूर्ण विश्वास हो। फिर बोले स्वस्मिन दिनत भावनम, दूसरा नंबर है अपना के अंदर में तीन ही भावना हो, मैं सबसे छोटा हूँ और हमसे सबके सब बड़े हैं, और जितने जगत में जीव है भगवान की संतान है, सब जीवों को भगवान की संतान मान करके सबको सम्मान दो। अगर किसी की हम भलाई नहीं कर सकते हैं, कभी किसी की बुराई मत करो, कभी किसी की बुराई मत करो, और एक मन से कथा सुननी चाहिए। कथा नहीं सुनी, देखने के लिए तो शरीर में बैठे, लेकिन घर में याद कर लेना बेटा आ गया कि नहीं, पति आ गया होगा, उसके लिए खाना बनाना जा करके। इसलिए फिर तो जो भक्ति फिर ये फल नहीं प्रदान करती है। जब उन्होंने ये बात को बताया ना, फिर श्री गोकर्ण ने बोले देखे देखा, हम लोगों ने सात सात दिन तक तो कथा सुनी, लेकिन हमारे लिए मुक्ति नहीं, रथ नहीं आया, मैं कल से फिर दोबारा कथा सुनाएगा। फिर केवल सात दिन में अगर हम सही सही कथा सुन लिए, हम भी ये जन्म मृत्यु का चक्कर से मुक्ति पा करके ठाकुर जी के पास में चले जाएंगे। फिर दूसरे दिन से फिर कथा सुनाए, सबके सब लोग अपना अपना टाइम पर आए। जब कथा समाप्त हुई, जितने लोग बैठे हुए थे सभी के लिए वैकुंठ से रथ आया, सबके सब रथ में बैठ करके भगवत लोक को चले गए सबके सब। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृत जय जय श्री राधे। अभी हम कथा को विश्राम करेंगे और पांच मिनट चल भैया ध्यान लगा कर सुनो कथा। जो सुनते हैं ये लोग कितने तरह का है, अभी मन लगा कर सुनो, मैं देखूंगा मेरे को कम छोड़े हुए अच्छे श्रोता हैं जो अपना जीवन में सार सार को ले। देखो दो तरह के लोग होते हैं, एक मक्खी एक मधुमक्खी। मक्खी क्या करता है, देखना गंदी चीज में मक्खी बैठता है। मधुमक्खी क्या करता है, वो शहद फूल गोबर बैठता है, हैं? इसलिए हमें मक्खी नहीं, हमें मधुमक्खी बननी चाहिए। ये दूसरा नंबर। बोले तीसरा नंबर, बोले तीसरा नंबर है मछली। मछली देखे हो, मछली को देखना, इसका जो आंख का जो पलक है ना, ये कभी नहीं जपती है। मतलब है कथा कैसे सुननी चाहिए, बोले एक मन से टक टक लगा करके एक मन से कथा सुननी चाहिए मछली जैसे। जो चौथा नंबर है बोले चातक, ये एक चिड़िया है, वो किसी नदी का पानी नहीं पीता है, किसी तालाब का पानी नहीं, वो जब आकाश से बारिश हो ना, वो स्वाधी नक्षत्र का पानी पीता। मतलब क्या है, मतलब क्या, कहते हम कथा सुनेंगे तो ठाकुर जी की ही कथा सुनेंगे, हाँ? ये दुनियादारी कोई बात हम नहीं सुनेंगे। कहते ये चार ही तरह का अच्छे श्रोता है, बोले चार ही तरह का साधारण श्रोता है। बोले वो कौन कौन है मेरे तरफ में देखो कौन कौन है। बोले पहला नंबर है भुरुण, ये भुरुण ये हिमालय में एक पक्षी रहता है, इसका स्वभाव है आप इसको जैसे बोलो ना वो ठीक आपको दो बार तो सुना देगा, लेकिन अपना जीवन में एक अक्षर को नहीं उतारता है। सुनेगा सुनाएगा भी, लेकिन अपना जीवन में नहीं उतारता है, कभी ये भुरुण है। दूसरा नंबर कौन है,
कहते ऊट ऊट देखे हो आप लोग सब ऊट देखे हो आप लोग ने देखे हो ऊट को अब ऊट को कोई कोमल कोमल अच्छे अच्छे कोई पत्ता दो वो नहीं खाएगा वो ढूंढेगा कांटा का पेड़ कहाँ पर है वो बबलू का पेड़ कहाँ पर मतलब जो व्यक्ति भगवान की मधुर मधुर कथा नहीं सुन करके दुनियादारी की जो बात को लेकर के उसने ऐसे किया उसको बेटा ने ऐसे कर दी उसको बहू ऐसे कर रही थी उसको सारा दुनिया की बात सुनते हैं लेकिन ठाकुर जी को बात नहीं सुनते वो कौन है बोले वो ऊब है। तीसरा नंबर है बेल। बेल को बड़े सुंदर सुंदर फल दो नहीं तो उसको घास नहीं तो कोई भूसा दे दो उसके लिए सब बराबर है उसके लिए सब बराबर है सबके सब। इसका मतलब है कि तो प्रभु की कथा में जैसे दुनिया की बैठी करे दुनिया की चर्चा करो वो भी ऐसे माने दुनिया कथा भगवान कथा में जो फर्क नहीं समझता है। जो चौथा नंबर है भेड़िया। भेड़िया जानते हो छोटे जाति के एक बाघ होता है। कोई हिरण जब बड़ी सुलीली शब्द सुनता है उसका कान खड़ा हो जाता है। जब वो किसी सुलीली शब्द सुन करके उसमें तन्मय हो जाता है ये बाघ उसी समय आक्रमण करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसे कुछ लोग होते हैं जो एक मन से कथा सुनते हैं एक मन से कथा सुनते हैं लेकिन ऐसे कुछ होते हैं पास में बैठने वाले खुद तो कथा नहीं सुनते हैं और जो कथा सुनते हैं ना उसको भी सुनने नहीं देते बिना कारण से इधर उधर की बात करने लग जाएंगे। तू क्या कर रही थी तेरे घर में क्या हो रहा था हाँ जो दुनिया की तक नहीं तक ये चार तरह का जो श्रोता है ये अच्छे श्रोता नहीं बल्कि कथा चार तरह का सात्विक राजसिक तामसिक और निर्गुण बोले सात्विक की कथा किसको कहते हैं जैसे एक महीना नहीं तो दो महीना तक कथा सुना कहते राजसिक की कथा किसको कहते हैं बोले बड़ी ठाड़ बाड़ से कथा की आयोजन की लेकिन कभी कभी इतने व्यवस्था में बिजी हो गए तो इसको ये देना वो ये कर रहा है वो कर रहा है लेकिन जो मेन विषय था प्रभु की भजन है ना वो भगवान की कथा ही सुन नहीं पाए कहते ये राजसिक कथा बोले तामसी कथा क्या है बोले जैसे सात दिन की कथा होगी कभी कथा सुने कभी सुने नहीं कभी आधा में आए कभी लास्ट में आए नहीं तो मन ही नहीं लगा एक चक्कर घूम कर गया किसी तरह से सात दिन को बिता दा ये तामसी कथा बोले सही कथा क्या है बोले जिसने अपना जीवन को ही प्रभु की भजन में लगा अपना जीवन कोई प्रभु की भक्ति में रोज करके नियम करके घर में रामायण हो भागवत हो गीता हो रोज घर में नियम करके सबर जो पढ़ता है ठाकुर जी का आरती उतारे ठाकुर जी को भोग लगाए तुलसी परिक्रमा करे घर में जो कुछ काम करे ठाकुर जी की सेवा मान करे करे घर में झाड़ू लगाते हो कहाँ झाड़ू लगा रहे हो बोले भगवान के दरबार में झाड़ू लगा रहे हो खाना बना रहे हो क्यों बना रहे हो ठाकुर जी को भोग